हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सोशियोलॉजी का पेपर टू कवर कर रहे हैं और पेपर टू में जैसे कि अभी तक हम ए वन कवर कर चुके हैं, ए टू का भी पार्ट वन कवर किया था हमने कल, तो आज बारी है हमारी ए टू के सेकंड पार्ट की। थोड़ा ये लेंथी लेक्चर है और इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है सेकेंड पार्ट में, क्योंकि अभी कुछ जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक आपके पास आएगा ये कॉलोनियल रूल के इम्पैक्ट का, कि भारतीय समाज को कैसे उसने इम्पैक्ट किया, ये है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ही टॉपिक है। अगर मैं आपको बताऊँ, एक हमारे बहुत ही प्रोमिनेंट सोशोलॉजिस्ट है, उनका नाम है वाई सिंह, है ना, योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह बहुत ही एक फेमस हमारे सोशोलॉजिस्ट थे, JNU में पढ़ाते थे, एंड उन्होंने एक किताब भी लिखी, किताब का नाम भी यही था, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। आप चाहें तो ये बुक पढ़ भी सकते हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स राइटिंग है, कि लिखना का जो तरीका है थोड़ा सा वो कठिन है बच्चों के लिए समझना, लेकिन आप इत्मीनान से पढ़ते रहेंगे तो समझ भी आ जाती है। उसमें से किताब में से एक इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है, वाई सिंह जी ने किताब में अपने लिखा था, वो था पैराडाइम। पैराडाइम होता है कि किस तरह से समझें कि हमारा देश मॉडर्नाइज कैसे हुआ, मॉडर्निटी क्या होती है। तो देखो, मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, आज के लेक्चर में हमने कवर क्या क्या करना है, पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ। पहले सबसे पहले हम जानेंगे डेफिनेशन क्या है, ठीक है दोस्तों, दैट इज कि कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि अब मॉडर्निटी चीज़ क्या होती है। मैं पार्सन्स का यहाँ पे, जो आपने पेपर वन में पार्सन्स पढ़ा था, उनकी हेल्प लेंगे हम। देन डेफिनेशन के बाद हम ना जो मॉडर्निटी की, हमारा देश कैसे मॉडर्नाइज हुआ कैसे नहीं हुआ, इसमें हम वेरियस पॉइंट्स ऑफ व्यू देखेंगे। जो वेरियस पॉइंट्स ऑफ व्यू में, जैसे मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूँ, सबसे पहले हम नेशनलिस्ट का, जो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे नेशनलिस्ट हुए जो कि मानते थे कि मॉडर्निटी हमारी अलग तरह की मॉडर्निटी है, वो इंडियन जो वर्जन को चाहते थे मेंटेन करना। देन लेकिन ऐसे भी थे जो इसको थोड़ा जो रिफ्यूट करते थे कि नेशनलिस्ट सही नहीं कह रहे। देन मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू भी देखेंगे कि मार्क्सिस्ट कैसे समझते हैं हमारे देश की जब कैसे कैसे मॉडर्नाइज हुआ। एंड देन अगर आपको मैं फर्दर बताऊं, जो एम एन श्रीनिवास कैसे समझते थे, लुई दुमो ने क्या समझा, आंद्रे बेते ने कैसे उनको रिफ्यूट किया। देन उसके बाद बहुत सारे यहाँ पे आपको थिंकर्स का नाम मिलेगा, जैसे गुनार मेडाल है, गुनार मेडाल ने इंडिया पर पर्टिकुलरली साउथ एशिया पे बहुत कहा, हमने इनको पहले भी इनके बारे में पढ़ा हुआ है अपने पेपर वन में, क्योंकि बहुत ही अच्छी इनकी कुछ कोट्स हैं, एशिया को अच्छे से ऑब्जर्व किया, एशियन सोसाइटीज़ को, तो इसीलिए इनको हम यहाँ कोट करेंगे कि कैसे इंडिया के बारे में एक दो लाइनें क्या बोलते हैं, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं इनके। एंड देन ऐसे थोड़े थोड़े पॉइंट्स इकट्ठे करते रहेंगे यहाँ पर। देन एक बार मैं इसको रब कर दूँ, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज, दैट इज कॉल्ड पेरोकियलाइजेशन, कि किस तरह से पेरोकियलाइज हो जाती हैं चीजें एंड या फिर यूनिवर्सलाइज हो जाती हैं, ठीक है। यूनिवर्सलाइजेशन, पेरोकियलाइजेशन मतलब कि बड़ी चीज छोटी हो जाती है, छोटी चीज बड़ी हो जाती है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ठीक है, आगे पढ़ते रहेंगे, मैं आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूं। देन लिटिल ट्रेडिशन क्या होता है, ग्रेट ट्रेडिशन क्या होता है, स्टैंडर्ड यूपीएससी पूछता है सवाल बार बार, शॉर्ट नोट्स आपसे लिखवाए जाते हैं, बहुत आसान कॉन्सेप्ट्स हैं, समझ लो पढ़ लो एक बार, कोई मुश्किल नहीं है। देन उसके बाद हम जानेंगे पोस्ट मॉडर्निस्ट क्या समझते हैं, अभिजीत पाठक जो अभी भी पढ़ाते हैं वैसे वहां JNU में, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू पोस्ट मॉडर्निस्ट क्या कहते हैं। और उसके बाद एक बोनस भी है इसमें, कि मैं आपको वेरियस एस्पेक्ट्स भी बताने की ट्राई करूंगा, हमने सेपरेट वीडियोस पे बनाया हुआ, लेकिन यहाँ पे कवर कर देंगे कि बहुत से एस्पेक्ट्स क्या हैं इंडियन कल्चर के, इंडियन कल्चर के एस्पेक्ट्स। अगर आप देखो, चार पॉइंट्स हैं वहाँ पर, वो याद कर लो, आपको बार बार वो यूज़ हो जाते हैं जगह जगह पर। एंड जो हमारा ए टू के जो बाकी जो हमारे पास छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स हैं, जैसे प्रोटेस्ट्स कौन से हुए हमारे पास कि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान, मूवमेंट्स कौन सी चली, सोशल रिफॉर्म कौन से आए, ये आप ना हिस्ट्री में बहुत सारे पढ़ते हो, लेकिन एक बार मैं कि सोशोलॉजिस्ट किस तरह से समझते हैं इनको, वो वाली बात भी देख लेंगे, प्रोटेस्ट मूवमेंट्स एंड सोशल रिफॉर्म्स, तो ये सभी जानते हैं आज, ठीक है। डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, पार्सन्स की हेल्प लेंगे, बहुत ही अच्छा फ्रेमवर्क बन जाता है, ये हमने खुद ही डेवलप किया हुआ फ्रेमवर्क, लेकिन इट विल हेल्प यू इमेंसली इन राइटिंग वेरी गुड आंसर्स, कि ऐसे ऐसे फ्रेमवर्क आप खुद भी बनाओ। हम यहाँ पे हमने किसी कोई किताब से बोरो नहीं किया इसको, ये खुद बनाया, कि आप भी अपने बना सकते हैं ऐसे, क्योंकि आप जब एक बार सोशोलॉजी पेपर वन से जब आप हो चुके हैं पूरा का पूरा गो थ्रू, तो आपको आसान हो जाएगा कि ये बहुत सी चीज़ें खुद की इन्वेंट करना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। देन वेरियस पॉइंट्स ऑफ व्यू, मैं इसका जो PDF भी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप साथ साथ ना ये पॉइंट्स ऑफ व्यू याद करने की ट्राई करनी है, बार बार जब आप इसको रिपीटेडली पढ़ोगे तभी याद होंगे। पेरोकियलाइजेशन क्या होती है, LTGT क्या है, पास लिटिल ट्रेडिशन ग्रेट ट्रेडिशन, वाई सिंह की बुक के बारे में बात करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स थॉट है लेकिन समझने की ट्राई करना, ठीक है, साथ साथ में, और इंडियन कल्चर के एस्पेक्ट्स एंड अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें। चलिए शुरू करते हैं ये लेक्चर। आपको जैसे बताया था मैंने कि हमारे कौन से क्रैश कोर्स के कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में से हमने लिया है, और अगर इसमें कुछ, अगेन आई रिपीट, अगर कुछ वहाँ पर क्रैश कोर्स का रेफरेंस होगा या फिर कोई टाइपोग्राफिकल एरर है, साथ साथ मैं ठीक करता जा रहा हूँ, ठीक है।
चलिए आइए शुरू करें कहानी फिर। ऑल राइट, एंड ऑल्सो बिफोर वी बिगिन आपको जैसे बताना ज़रूरी है, हमारे जो प्रिलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है आप उसको एनरोल कर सकते हैं, उसको अपग्रेड कर दिया गया है और अपग्रेडेड टेस्ट सीरीज है, 6 और टेस्ट हैं, तो प्रिलिम्स का साथ साथ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सभी कुछ यहीं का यहीं रह जाएगा, हमारा ऑप्शनल प्रिपरेशन एक्सेट्रा, अगर हम प्री की तैयारी अच्छे से नहीं कर रहे, ठीक है दोस्तों। तो वो प्री की जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर एफर्ट करके और चुनिंदा सवालों से बनाई जाती है, हम उसको बनाते हैं, प्रीमिक्स में भी उसमें से कुछ सवाल शेयर करते रहते हैं, आप देख सकते हैं प्रीमिक्स के थ्रू उसको जज कर सकते हैं क्वालिटी को। तो इसीलिए प्री की तैयारी जब आप कर रहे हैं अच्छे से, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि टेस्ट सीरीज भी साथ साथ लगाइए, तभी ही पता लगेगा कि क्या क्या कितना कवर हो रहा है, और एक्स्ट्रा ज्ञान तो मिलता ही है टेस्ट सीरीज से, एंड हमें फायदा क्या होता है उससे, वी गेट रेवेन्यू टू सस्टेन ऑल दिस। हम इतना जो ये जो चाह रहे हैं, जो सब कुछ डिलीवर करना फ्री ऑफ कॉस्ट, सारा का सारा कॉन्टेंट, ये सस्टेन होने में हेल्प हो जाती है, ठीक है दोस्तों, सस्टेनेंस का हमारा बन जाता है, और अदरवाइज आपको भी हम बेस्ट क्वालिटी ही वहां पे कॉन्टेंट देने की ट्राई कर रहे हैं, बिल्कुल टॉप नॉच, ताकि आपका भी लेवल ग्रेजुअली बिल्कुल उस लेवल तक आ जाए जहां पे आप एग्जाम क्रैक करें, सिर्फ नॉलेज में वृद्धि नहीं एग्जाम भी क्रैक करें, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, पेपर 2 A2 का सेकेंड पार्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में, और पेपर 2 सोशियोलॉजी कवर कर रहे हैं, आपको पता है A2 टॉपिक चल रहा है हमारा, एंड उसमें आज ही जो A2 का ही सेकंड पार्ट है ये, ओके okay, तो यहाँ पर हम जो नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, किस तरह से हमारा जो भारत का ट्रेडिशन मॉडर्नाइज हुआ या नहीं हुआ, तो इस पर क्या वेरियस थिंकर्स कहते हैं। तो बिफोर वी प्रोसीड इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ मॉडर्निटी, ठीक है। हमने चैप्टर 1 जो हमने सोशो में किया था वहां पर मॉडर्निटी हमने जो समझा, लर्न करने की ट्राई करी कि क्या चीजें होती हैं, लेकिन अभी जैसे अभी आपने आगे जैसे प्रोसीड करते रहे तो डेफिनेशंस डेफिनेटली और भी इवॉल्व हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखो, जैसे हम मैं आपको एक ब्रॉडर एक फ्रेमवर्क जो आपको जो पार्सन्स ने दिया आप उसको यहाँ यूज़ कर सकते हैं कि मॉडर्निटी क्या होती है। जैसे पार्सन्स ने हमें अडाप्को का फ्रेमवर्क दिया था कि किस तरह से ना जो पैटर्न वेरिएबल होते हैं कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में ये बात रहती है, मॉडर्न सोसाइटी में ये वाली बात रहती है ना, ये जो 5 पॉइंट बताए थे, तो आप हमेशा से ही इसको यूज़ कर सकते हैं, ये वाले जो 5 पॉइंट्स हैं, एंड बता सकते हैं कि मॉडर्न सोसाइटीज़ कैसी होती हैं, अचीवमेंट ओरिएंटेड होती हैं, स्पेसिफिक जो रोल जो एलोकेशन है और इफेक्टिव इमोशंस को लेके इतना ज़्यादा वहाँ पर जो इम्पोर्टेंस नहीं है जो रोल परफॉर्मेंस में, एंड देन जो किसी को अगर कोई पर्टिकुलर जॉब देनी है कुछ करना है तो उसके लिए एस्पेक्ट्स आर यूनिवर्सल एंड इंडिविजुअल ओरिएंटेशन है पर जो कलेक्टिविटी नहीं है, एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट यू कैन राइट। तो यहाँ पर जो आइडिया क्या है कि आप जो पार्सन्स का इस फ्रेमवर्क से ट्रेडिशन को डिफाइन कर सकते हैं एंड पार्सन्स के इसी ही फ्रेमवर्क से मॉडर्निटी को। तो ये ऐसा नहीं है कहीं किसी किताब में लिखा हुआ, खुद सोचा हुआ पर्टिकुलर चीज है, आप भी खुद सोच सकते हैं ऐसे और भी कोई परिभाषा। तो जैसे एक और परिभाषा क्या है कि जैसे पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में जब रैशनलाइजेशन हो जाए, ठीक है, जब वहां पर आप रीजनिंग करना शुरू कर दें एंड पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ वेरियस जैसे डॉगमैटिक जो चीजें या ऑर्थोडॉक्स आइडियाज से ड्रिवन रहकर आप रैशनलाइज करें वहां पर आइडियाज को फॉलो करें, तो दैट इज व्हाट दैट इज नोन एज मॉडर्निटी, है ना, तो मॉडर्नाइजेशन। तो आप इस तरह से वेरियस डेफिनेशंस यूज करें एंड अपना कोई आप चाहे तो अलग भी डेफिनेशन मॉडर्निटी की बना सकते हैं कि क्या होती है मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। सिर्फ मॉडर्निटी सिर्फ नए कपड़े पहनना नहीं होता, वेस्टर्न कपड़े, एंड एक और बात क्या है, मॉडर्नाइजेशन को वेस्टर्नाइजेशन से भी कंपेयर करते हैं कि क्या ये एक ही बात होती है। एंड डेफिनेटली इंडिया में मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि वेस्टर्न जो आइडिया था वो मॉडर्न आइडिया था, ग्रेजुअली उससे से ही दुनिया भर में बदलाव हुए, पॉलिटिकल आइडियाज बदले, जो फ्यूडल जो लॉर्ड्स हुआ करते थे डेमोक्रेसी आई एट्सेट्रा, है ना, इकोनॉमी जो हुई आपकी वो भी काफ़ी ग्लोबलाइज हुई एट्सेट्रा, देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन राइट। सेकुलरिज्म आया, रिलीजन को बैकफुट पर रख दिया, तो वेस्ट ने शुरू किया था, ग्रेजुअली करते करते वो इंडिया की तरफ भी आ गया। तो हम मॉडर्नाइजेशन इंडिया में वेस्टर्नाइजेशन से भी कंपेयर करते हैं, तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है। ओके, अब यहां पर देखो कि जैसे किस तरह से यहां पर एक परिभाषा और भी क्या है कि जब सोसाइटी के नॉर्म्स, ईथोस, वैल्यूज, कल्चर, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इन सब में जब बदलाव आए, बदलाव, ठीक है, जब इनमें देयर इज अ चेंज, तो उसको भी हम मॉडर्निटी कह सकते हैं। मॉडर्निटी को ना हम सिर्फ डिफाइन, अगर ऐसे ये ब्रॉडर डेफिनेशन क्या हो सकती है कि मॉडर्निटी को हम वैल्यू लोडेड ना करें कि ये चीजें हो रही हैं तो ये अच्छी हैं, ये नहीं हो रही है तो अच्छी नहीं है। जैसे ऑर्थोडॉक्सी को हमने बुरा माना, मॉडर्निटी को अच्छा, तो कह रहे हैं कि यहां पर इस डेफिनेशन में क्या कहने की ट्राई कर रहे हैं कि किसी भी तरह का बदलाव हो रहा है वो मॉडर्निटी है। तो अच्छा बुरा की परिभाषा से दूर जाकर कि जैसे हो सकता है ना फंडामेंटलिस्ट है कोई अगर, तो वो तो कह रहा है कि मैं कह रहा हूं वो ठीक है और जो मैं अच्छा आप सब बुरे, तो अकॉर्डिंगली व्हाट इज अच्छा व्हाट इज बुरा लेट अस नॉट डिबेट ऑन दैट। तो इसीलिए एक ब्रॉडर डेफिनेशन भी है, ये सभी की सभी एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी को अफेक्ट करती है। उसके बाद
वेबर भी यहाँ पे डिफाइन करने की ट्राई करते हैं मॉडर्नाइजेशन को, व्हाट इज मॉडर्निटी. तो वो कह रहे हैं जैसे इसकी रूट्स रेनेसा में हैं, जैसे जैसे डेमोक्रेसी का ग्रोथ हुआ, नेशन स्टेट्स आए, मार्केट्स एक्सपैंड हुए, एक्सेट्रा, वही अपना पेस्ट वाला जो एनालिसिस होता है. देन उसके बाद से इनसाइमल सिमल वगैरह बोलते हैं, सेकुलराइजेशन हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ब्यूरोक्रेटाइजेशन, इससे से मॉडर्निटी आती है. तो जितने थिंकर्स आते जाएंगे नए नए पॉइंट्स देते रहेंगे, आप भी इनको नोट करते रहें एंड पेपर में रिप्रोड्यूस करना है. उसके बाद वो क्या, हम क्या बोल रहे हैं कि इंडिया के लिए कुछ खास यूनिक नहीं है, हमारे यहाँ पर भी बहुत सारी स्टडीज हुई हैं मॉडर्नाइज को लेकर, अकॉर्डिंगली हम यहां डिस्कस करेंगे. तो जैसे फीचर्स क्या थे, जैसे कि नॉर्म्स बदलने को देखते हैं, इंडिविजुअलाइजेशन हो रही है कि नहीं हो रही, एंड उसके बाद जैसे हमारा जो मोड ऑफ प्रोडक्शन पहले एग्रीकल्चर से अभी ग्रेजुअली सर्विस की तरफ बढ़ गए हम, है ना, जो उनमें आपस में क्या रिलेशंस था, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एटसेट्रा, अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, जो इन सभी चीजों को हम एनालाइज कर सकते हैं. तो हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यूज कौन से हैं, एक तो नेशनलिस्ट है, मार्क्सिस्ट, एक श्रीनिवास ने दिया, गुनार मिडाल ने दिया, लुई डुमो एंड ऑंद्रे बेटे जो, एंड योगेंद्र सिंह का जो सबसे ही जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन बुक का नाम ही योगेंद्र सिंह की बुक है, एंड उन्हीं को ही एक आप कह सकते हैं कि इट्स अ ट्रिब्यूट टू हिम, एंड ही हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट फिनोमिनल सोशोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया. तो उन्हीं को ट्रिब्यूट देते हुए हमारे यहाँ पे एक टॉपिक भी है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन. आप इनकी बुक भी पढ़ सकते हैं, अभी एग्जाम से पहले पढ़ सकते हैं, बट इट्स अ वेरी वेरी डेंस बुक. उसमें जो बातें हैं, इसे एक एक पेज पढ़ने में आपको बहुत टाइम लगता है. तो नेवर रियली रश थ्रू दैट बुक, कि एक पतली सी किताब है ऑरेंज कलर की, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, उसको रीड करना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, एंड आपको इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ पेपर टू. तो लेकिन अगेन आई वॉन्ट, नेवर रियली रश थ्रू दैट बुक. वो बुक बहुत ज़्यादा डेंस है, जागन बहुत ज़्यादा है, सोशोलॉजिकल जागन. तो स्लोली ही रीड करनी पड़ेगी, ग्रेजुअली ही आप उसको बात समझ सकते हैं. अदरवाइज मैंने यहाँ अटेम्प्ट किया है आपके लिए उसमें से जितना भी वहाँ जूस मसाला पड़ा हुआ सब यहाँ निकाल के लाने के लिए. ओके, लेकिन स्टिल अगर आप इसको लेक्चर को सुनने के बाद वो जाके बुक देखना चाहते हैं तो यू आर ऑलवेज वेलकम, क्योंकि बुक्स जो पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करती हैं कोई भी इंसान नहीं कर सकता वो. ओके, देन यहाँ पर देखो, अब मॉडर्निटी को वेरियस थिंकर्स ने कैसे समझा. जैसे हमारे पास देखिए, अगर मॉडर्निटी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानकर कि किस तरह से हमारा देश बदला नहीं बदला, नेशनलिस्ट थिंकर हैं जैसे घुरे, हमने देखा मुखर्जी, शर्मा और दत्त वगैरह, तो ये सभी लोग क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं कि इंडिया के जो इंडिया में ये कहाँ से आया, ये कॉलोनियल अटेम्प्ट था मॉडर्नाइजेशन, जो जैसे जैसे हम कॉलोनाइज होते गए हमारे यहाँ पे मॉडर्न आइडियाज को भी उन्होंने जगह दी ग्रेजुअली, एंड हमें जैसे चाह रहे थे अपने ट्रेडिशन को छोड़कर हमें बदलने की ट्राई कर रहे थे. एंड जैसे महात्मा गांधी जी क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं कि हमें जैसे वो ऐसे मॉडर्निटी को एज सच कैसे कर, वो मॉडर्निटी के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है. अब यहाँ पे मैंने आपको वैसे पहले एक किताब कही हुई है एथिक्स के अपने लेक्चर्स में, कि वहाँ पर एक इनकी महात्मा गांधी जी की किताब है, उसका नाम है हिंद स्वराज. ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी थिन बुक एंड वेरी ईजी टू रीड बुक, हिंद स्वराज. आप अभी भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ आइडियाज ऑन हाउ महात्मा गांधी थॉट. ठीक है, 1938, इन्होंने दो बार ये किताब के दो वर्जन है, 1938 वाला वर्जन पढ़ना, उसमें गांधी जी के और इवॉल्व्ड आइडियाज हैं ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑन विमेन, ऑन डेमोक्रेसी एटसेट्रा. तो उसमें से डायलॉग्स मिलेंगे महात्मा गांधी पर, आपको ऐसे भी आता है, आपको महात्मा गांधी पेपर वन में नजर आते हैं और आपको सोशो पेपर टू में नजर आते हैं, तो यू कैन ऑलवेज बोरो अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देयर. ठीक है, तो हिंद स्वराज पढ़ सकते हैं आप. तो वहां पर जैसे महात्मा गांधी क्या बोलते हैं, वो मॉडर्निटी से इतना इंप्रेस्ड क्यों नहीं है, वो क्या बोलते हैं, क्योंकि जो इंडिया में है, इंडिया में ऑलरेडी लोग हम बहुत डाइवर्स थॉट्स के लिए ओपन है. ठीक है, और हम अपने इंडियननेस को गवाएं बिना हम उसको कॉम्प्रोमाइज किए, हम इसके लिए ओपन है, हम ऑलरेडी काफी मॉडर्न है. ठीक है, हमें वेस्टर्न वाली मॉडर्निटी नहीं चाहिए. एंड सेकेंडली, हिंद स्वराज अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे ही जो बिल्कुल थॉरली रिजेक्ट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो बोलते हैं कि अगर एक नेशन दुनिया में, जो कि ब्रिटेन की बात करते हैं, वो जब उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन की राह अपनाई, पूरी दुनिया को गुलाम बना लिया, एंड कहते हैं इमेजिन कहते हैं छोटा सा कंट्री है, एक बड़ा सा कंट्री जैसे इंडिया अगर इसकी राह पे चले, इंग्लैंड की राह पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो इमेजिन करो दुनिया की हालात क्या हो जाएगी. तो इसीलिए ही रिजेक्ट्स जो वेस्टर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एटसेट्रा, एंड ही एडवोकेट्स वॉट, ही एडवोकेट्स कॉटेज इंडस्ट्री, छोटे छोटे इंडस्ट्री, सेल्फ सफिशेंसी. एंड वो क्योंकि ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि ग्रीड ने ओवर पावर कर लिया नीड को, तो इसलिए नीड के हिसाब से होना चाहिए. ओके. देन विवेकानंद जी यहाँ पे आते हैं, वो कह रहे हैं कि वेस्टर्न मटेरियलिज्म और इंडियन स्पिरिचुअलिज्म के बीच में सिंथेसिस होना चाहिए. बहुत बढ़िया. आर्य समाज में वो कह रहे हैं इंग्लिश और संस्कृत दोनों ही स्कूल में पढ़ाई जाएंगी, एंड वेस्टर्न और इंडियन दोनों ही थॉट दिए जाने चाहिए अकॉर्डिंगली. दैट इज जो मॉडर्नाइजेशन का इनका विचार है. एंड जैसे इसलिए कंक्लूजन क्या है यहाँ पे, जो नेशनलिस्ट थिंकर हैं वो अपने देश को कभी भी ऐसे नकारेंगे नहीं कि हमें मॉडर्नाइज हो जाकर अपने देश को एकदम से हटा देना चाहिए. तो वो क्या बोलते हैं कि इसीलिए कहते हैं कि कभी इवॉल्व होने की बात नहीं करते. ठीक है, कि हमें एक स्टेप से अगले स्टेप पर जाना है, कि ना नेक्स्ट
स्टेप, वो कह रहे हैं कि जो हम हैं वो हम यूनिक हैं, तो इवॉल्व होने की बात नहीं करते, बिकॉज वी आर नॉट बैड, इंडियन बींग इंडियन इज नॉट बैड, ठीक है। वो क्या बोलते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है मॉडर्नाइजेशन का काफी यूनिक है एंड इंडिया को लेकर स्पेसिफिक है, दैट्स इट, ठीक है। एंड इसलिए कहते हैं ट्रेडिशन और मॉडर्निटी तो इंडिया में को एग्जिस्ट ही करते हैं, ठीक है, ये नेशनलिस्ट हमारा थॉट है। उसके बाद यही अगर आप उसको समराइज करें तो सिंथेसिस है, यूनिकनेस है इंडियन कल्चर की, ऑल राइट। देन मार्क्सिस्ट स्कूल आते हैं, डीपी मुखर्जी आते हैं वहाँ पर, वो क्या बोलते हैं कि देखो मार्क्सिस्ट थॉट में भी वैरायटी है काफ़ी, तो डीपी मुखर्जी क्या बोलते हैं, जैसे अभी देख रहा हूँ मैं नेशनलिस्ट थॉट में काफ़ी वैरायटी है, लोग वेरियस लोग कोई महात्मा गांधी जी रिजेक्ट कर रहे हैं, बाकी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमें इंग्लिश एजुकेशन मिल जाएगी क्योंकि बुराई नहीं है। तो यहाँ पर मार्क्सिस्ट स्कूल में भी जैसे डीपी मुखर्जी आते हैं, वो क्या बोलते हैं कि इंडिया में ब्रिटिश रूल में थोड़ा मॉडर्निटी तेज़ हुई, एजुकेशन के पॉइंट से देखें, मिडिल क्लास के राइज से देखें ग्रेजुअली, तो ये सभी चीज़ें तो हमारे देश में आई बहुत तेज़ी से। लेकिन अब आगे क्या बोलते हैं, कहते हैं हमारे जो मॉडर्निटी जो वेस्ट से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि कहते हैं वेस्ट में मॉडर्निटी कैसे आई थी, पहले इंडस्ट्रीज आई, इंडस्ट्रीज के आने से मॉडर्निटी आई, इंडिया में उल्टा हो रहा है, इंडिया में मॉडर्निटी इंडस्ट्रीज लेकर आ रही है। तो जैसे वेस्ट वाले लोग आए हमारे यहाँ पे, मॉडर्निटी हमें चाहते हैं करना, मॉडर्नाइज करना, एंड अकॉर्डिंगली हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह का डेवलपमेंट हो रहा है। कहते हैं इंडिया में प्रोसेस बिल्कुल ही उल्टा है, इन्वर्टेड है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, कहते हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज आई, ग्रेजुअली जॉब्स क्रिएट हो रही थी, लोग मॉडर्न होते गए, तो यहाँ पर मॉडर्निटी ने जो क्या किया, आपको मॉडर्न बना दिया, लेकिन बिना जॉब्स क्रिएट किए। तो बिना जॉब्स क्रिएट किए आप क्या बोलते हैं कि तो उसके कारण जो अपने जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास के पास कोई जॉब्स नहीं है, मॉडर्निटी इज विदाउट इंडस्ट्रियलिज्म, तो मिडिल क्लास के पास कोई जॉब नहीं है, इसलिए वो क्या लगे हुए हैं, पॉलिटिक्स को ट्रांसफॉर्म करने में लगे हुए हैं, एंड इसीलिए हमारी एस्पिरेशंस मीट नहीं हो रही है मिडिल क्लास की, जब वो बात करते हैं आज़ादी के आसपास की, एंड अकॉर्डिंगली इसीलिए क्या बोलते हैं कि वो मिडिल क्लास ही इसलिए बहुत ज़्यादा पुश करती है आज़ादी के लिए पर्टिकुलरली। तो ये बोलते हैं कि इंडिया मॉडर्नाइजेशन केम विदाउट इंडस्ट्रियलिज्म, ठीक है, विदाउट इंडस्ट्रियलिज्म, ओके। देन उसके बाद यहाँ पर वही आपको आइडिया है सेल्फ रूल के बारे में बात करते हैं वो। देन एआर देसाई इनको क्रिटिसाइज करते हैं, कह रहे हैं कि नहीं थोड़ा आप सही से नहीं समझ रहे। तो ये कि जो मॉडर्निटी, तो कहते हैं मॉडर्निटी आइडिया ही कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट है, कि अंग्रेजों ने ही आइडिया दिया, हमारा तो यहाँ पे कोई आइडिया था ही नहीं, उन्होंने हमारे यहाँ पे बिल्कुल जो गिल्ड्स वगैरह सब कुछ बर्बाद कर दिया, वीवर्स, हैंडीक्राफ्ट, विलेज इंडस्ट्री, एंड वो कहते हैं उन्होंने जो ओवरऑल जो भी काम किया, जो फॉरेन गुड्स बेचे, उन्होंने हमारा मॉडल इन्वर्ट कर दिया कि किस तरह से रॉ मटेरियल ले जाकर एंड ग्रेजुअली काफी वो महंगा सामान हमें बेचते हैं, फिनिश प्रोडक्ट्स। तो एंड वो कहते हैं उन्होंने जैसे नई नई तरह की क्लासेस बनाई, इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास, लैंडलॉर्ड है ना, मिडिल क्लास, इंडस्ट्रियल वर्कर एटसेट्रा। तो ये वो क्या बोलते हैं कि कहते हैं इनके सभी के डिफरेंट इंटरेस्ट हैं, इन सभी के डिफरेंट इंटरेस्ट हैं, कुछ एक कोई ऐसा टोटल इंटरेस्ट नहीं है कि अच्छा देश की आज़ादी चाहिए आपको कि क्यों चाहिए। जो इंडस्ट्रियल वर्कर कुछ और बोलता है, लैंडलॉर्ड कुछ और बोलता है, इंडस्ट्रियल कुछ और बोलता है, कह रहे डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट इंटरेस्ट हैं और अभी काफ़ी डिप्रेस्ड हैं वो अंग्रेजों के अंडर, एंड इसीलिए वो क्या कहते हैं फ्रीडम स्ट्रगल में अपने अपने पर्सनल फ्रीडम पाने के लिए वो वहां पहुंचे। कहते कलेक्टिव फ्रीडम की शायद किसी को टेंशन नहीं है, अपने अपनी लैंडलॉर्ड को अपनी जमीन पे हक चाहिए वापस, एंड इंडस्ट्रियल वर्कर को चाहिए कि उसको ज्यादा राइट्स मिले एटसेट्रा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अपने अपने इंटरेस्ट हैं, कोई कलेक्टिव इंटरेस्ट नहीं है। तो इसीलिए वो क्या बोलते हैं कि हमारी जो मॉडर्निटी है भी है, जो हम ना ये डेमोक्रेसी वगैरह की बात कर भी रहे हैं, ये हम सेगमेंट्री इंटरेस्ट से ड्रिवन होकर कर रहे हैं रादर देन कि हम क्या कलेक्टिव इंटरेस्ट से, जो मासेस के इंटरेस्ट से गवर्न होकर। तो गेटिंग इट कि सेगमेंटरी इंटरेस्ट को ही वो मानते हैं कि हमारे देश में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा एंड नॉट कलेक्टिव इंटरेस्ट। तो ये देसाई का पॉइंट ऑफ व्यू है मार्क्सिस्ट तरह से देश को समझना एंड हमारी मॉडर्निटी को किस तरह से कैसे कैसे आ रही है। एंड योगेंद्र सिंह जी इनको अगर क्रिटिसाइज करते हैं, वो कह रहे हैं सर आपकी थ्योरी में सिर्फ फैक्ट्स ही हैं, आइडियोलॉजी है, फैक्ट्स तो है नहीं, एम्पीरिकल एविडेंस लेकर आओ तो हम बात माने, ओके। देन ऑल्टरनेट व्यूज में आपको पैरेलली बता रहा हूँ, क्योंकि अगर लंबा सवाल आता है तो आपके पास पता होना चाहिए मैरियट, मिल्टन सिंगर वगैरह क्या बोलते हैं। और तो अब ये देखो सिंपल सी बात है, वो क्या कह रहे हैं कि ऑर्थोजेनेटिक एंड हेट्रोजेनेटिक चेंजेस हुए, ठीक है। तो ये आपको पर्टिकुलर चीज समझनी पड़ेगी, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवेज ऑफ दिस लेक्चर कि वॉट इज ऑर्थोजेनेटिक चेंज, वॉट इज हेट्रोजेनेटिक चेंज एटसेट्रा, ठीक है। तो देखो हेट्रो क्या होता है, हेट्रो होता है जो बाहर से आता है, ठीक है। तो हेट्रो मतलब कि जैसे लेट्स से अगर इंडिया में बदलाव आ रहा है अंडर द इम्पैक्ट ऑफ लेट्स से ब्रिटिश रूल, अंडर द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न आइडियाज, तो वो हेट्रो। ऑर्थो होता है जो विद इन से आ रहा है, विद इन से आप खुद से अपने अपने नए नए आइडियाज लाते जा रहे हो, अपने आप को बदलते जा रहे हो, तो ऑर्थो इज विद इन, ठीक है, याद रखना इसको। यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंडिजिनस एंड हेट्रो इज इम्पोर्टेड। तो मैरियट एंड मिल्टन सिंगर क्या बोलते हैं
कि ऑर्थो एंड हेट्रो चेंज, जो हेट्रोजेनेटिक चेंजेस के चलते ही मॉडर्निटी हुई इंडिया में, ठीक है। वो जैसे वो क्या बोलते हैं, बहुत ही अच्छा जो डायलॉग क्या लगा मारते हैं यहाँ पर, वो बोलते हैं कि इंडिया में क्या है, इंडियनाइजेशन ऑफ मॉडर्न ट्रेडिशन है इंस्टेड ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। आप फर्क समझ रहे हैं यहाँ पर, कि इंडिया के ट्रेडिशन को मॉडर्नाइज नहीं किया, हमने मॉडर्निटी को इंडियनाइज कर दिया, हमने मॉडर्निटी को इंडिया का टेस्ट दे दिया, क्योंकि इंडिया में विद इन से भी बहुत सारे जो ऐसे फैक्टर्स थे जो कि बदल रहे थे इंडिया को, जो कि इंडिया को मॉडर्नाइज कर रहे थे ऑर्थोजेनेटिक, ठीक है। तो हम वो आगे पढ़ेंगे भी इनको। एस सी दुबे क्या बोलते हैं कि देखो, कहते हैं इंडिया में जितने भी बदलाव हो रहे हैं सभी सिंक्रॉनिक नहीं है। सिंक्रॉनिक मतलब जैसे अगर हम पूरा देश देखें, पूरे देश में एक ही टाइम पर सब जगह सेम बदलाव नहीं हो रहे, तो अलग अलग जगह पे है, एसिंक्रॉनिक है। एसिंक्रॉनिक मतलब कि कहीं पे ज्यादा बदलाव, कहीं पे कम, गांव में कम, शहर में ज्यादा। जैसे वेस्टर्न, अभी देखें आज में वेस्टर्न इंडिया में ज्यादा, ईस्टर्न इंडिया में कम, है ना, ऐसे। तो वो कह रहे हैं कि ट्रेडिशन ने डेफिनेटली मॉडर्निटी को इन्फ्लुएंस किया, बट लेकिन ऐसा भी है बहुत जगह पर जहाँ पे मॉडर्निटी ने टोटली ट्रेडिशन को इन्फ्लुएंस कर दिया, जैसे ब्राह्मणिक ट्रेडिशन। कहते हैं ग्रेजुअली शहरों में जाके देखते हैं, अर्बन क्लास में देखते हैं कि ब्राह्मणिक ट्रेडिशन मतलब कास्ट सिस्टम वगैरह ग्रेजुअली डिसइंटीग्रेट हो रहा है टोटली। ये अब वहाँ पे जैसे आपके पास वेरियस एग्जाम्पल्स लिख सकते हो आप कि इंटर कास्ट मैरिजेज एक्सेट्रा आर ऑन अ राइज, इंटर रिलीजन मैरिजेज। तो वो कह रहे हैं कि डिवोर्स रेट वगैरह बढ़ रहा है, तो वो क्या बोलते हैं कि ब्राह्मणिक ट्रेडिशन तो टोटली डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया है। आपने जो कह रहे हो, जो आप मिल्टन सिंगर एंड मैरियट जो बोल रहे हैं कि मैकी मैरियट, कि हमने क्या कर दिया, इंडियनाइजेशन ऑफ मॉडर्न ट्रेडिशन कर दी, वो कह रहे हैं कि ये नहीं है, ग्रेजुअली तो होगा क्या, मॉडर्नाइजेशन ही होगी इंडियन ट्रेडिशन की, ठीक है, ओके। देन अब यहाँ पे लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन मैं आपको चाहता हूँ समझाना कि ये होता क्या है। इसके पहले मैं आपको मैं समझाता हूँ लिटिल ट्रेडिशन ग्रेट ट्रेडिशन होता क्या है, ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं व्हाट इज दैट। तो देखो लिटिल ट्रेडिशन जनरली होता क्या है, जो जनरली आपको इमेजिन करना है पहले जरूरी है कि लिटिल एंड ग्रेट में फर्क क्या है। लिटिल ट्रेडिशन होता है जो जैसे छोटी छोटी जगहों पर जो एग्जिस्ट करता है। लेट्स से जैसे आप इमेजिन करो कि आप किसी गाँव में चले गए एंड उस गांव में लोग रहते हैं बहुत सारे, जैसे वहां पे ना जैसे कच्चे घर हैं वहां पे, ठीक है, थोड़ा गांव को इमेजिन करो, थोड़ा पुराने जमाने के गांव, अभी तो गांव में कच्चे घर दिखते नहीं हमें, तो जैसे कच्चे घर हैं, थोड़े गरीब से लोग रह रहे हैं, इलिटरेट लोग रह रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे होने से ना होने से क्या होता है कि उन्होंने कभी जैसे सच में कभी लेट्स से रिलीजियस टेक्स्ट नहीं पढ़ा होगा, रामायण वगैरह सिर्फ सुना होगा, है ना, सिर्फ सुना होगा। तो उससे होगा क्या, सुनते सुनते अपने हिसाब से, जैसे वहां पे मान लो कि अभी वहां पर किसी पंडित जी से सुनते हैं वो कि रामायण सुनते हैं, महाभारत सुनते हैं, तो ग्रेजुअली पंडित जी समझाने के लिए क्या करते हैं, अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बदल देते हैं, जो भी गांव के हिसाब से। जैसे मान लो गांव में कोई अच्छा बंदा है, ठीक है, उसका नाम बोल लेके बोल सकते हैं, वो मान लो खुद को ही बोल दें कि वो तो भगवान राम है, इतने अच्छे थे भगवान राम, ठीक है, किसी बुरे इंसान का नाम लेके रावण बना दें उसको, तो ग्रेजुअली होगा क्या, जनरेशन दर जनरेशन अगर ऐसे चलता रहेगा तो कहानियां बदल जाएंगी, कहानियों में ट्विस्ट आ जाएगा बहुत सारा। इसलिए हम क्या देखते हैं, जैसे अगर आपको ऑफ द ट्रैक एक रिकॉर्ड बता रहा हूँ, तो अभी जैसे कि अभी हमारे देश में रामायण के कम 100 प्लस वर्जन्स हैं, क्योंकि वो जैसे श्रीलंका के रामायण में जो फर्क है, उसके बाद तमिलनाडु में बहुत सी अलग तरह की रामायण है, एंड करते करते जो हमारे नॉर्थ इंडिया में जो तुलसीदास की रामायण है दैट इज एंटायरली डिफरेंट। तो हम जो लेकिन जो फॉलो तो हम तुलसीदास के रामायण ही करते हैं, तो इसीलिए हो गया रहा है कि जो लोकल कल्चर के हिसाब से शुरू होती हैं चीज़ें, एंड ग्रेजुअली जो ब्रॉडर कल्चर बनाने की जो बात होती है वो क्या होता है, ब्रॉडर कल्चर से जो लोकल कल्चर में बात आ रही है अपने हिसाब से कॉन्टेक्चुलाइज करी, कहानी बदली, ऑल्टर की, नए कैरेक्टर्स डाले, अपने कैरेक्टर्स को वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, तो इसी तरह से कहानियां बदलती जाती हैं। तो ये बात समझ रहे हो, तो दैट इज व्हाट लिटिल ट्रेडिशन। तो ये होता क्या है, लिटिल ट्रेडिशन इज जो फोक्स एंड पेजेंट्स ने जो आपस में, फोक्स मतलब जैसे जो अपनी जो होती है जैसे जो फोक कल्चर होता है अपना, जो गली मोहल्ले वाला टाइप कल्चर, अपने गाँव का कल्चर, वो वाला कल्चर, पेजेंट कल्चर। तो ये अभी क्या करते हैं जनरली इलिटरेट, स्पेलिंग करते हैं यहाँ पर, ठीक है, इलिटरेट्स के, तो यहाँ पर इलिटरेट का कल्चर रहता है। तो उल्टा देखें ग्रेट ट्रेडिशन, ये एलीट का कल्चर है, ये रिफ्लेक्टिव व्यू मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं लिटरेट, जो रिफ्लेक्ट करते हैं, जो सोचते हैं कि अच्छा ये चीज़ कैसे रही होगी कैसे रही होगी, तो वो ग्रेट ट्रेडिशन होता है। अब देखो जो ग्रेट ट्रेडिशन है इसलिए टेक्स्चुअल या शास्त्रों में जो लिखा हुआ है एग्जैक्टली वही है ना, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं खुद पढ़ पा रहे हैं टेक्स्चुअल, है ना, या शास्त्रीय, उसको इसको शस्त्र मत समझना, शस्त्र हमारे देश में वेपन को बोलते हैं, इट इज नॉट शस्त्रीय, इट इज शास्त्रीय, ठीक है, शास्त्रीय भी कल्चर रहा जाता है इसको। एंड देन ये जो हमारा लिटिल ट्रेडिशन क्या होता है, ये लोकल वर्जन है ऑफ टेक्स्चुअल नॉलेज, क्योंकि इलिटरेट्स को सुनाया गया है, उन्होंने अपने हिसाब से मोल्ड कर दिया। एंड देन मोल्डिंग है रोल्स अकॉर्डिंग टू लोकल सेटिंग, यहाँ पर रोल वगैरह सब कुछ पहले से बताए हुए हैं। ब्रॉडर देश में जितने भी आपको सिस्टम नजर आएंगे हमारे देश में, वो सभी ग्रेट ट्रेडिशन से फ्लो करके लिटिल में गए होंगे। जैसे कास्ट सिस्टम,
कास्ट सिस्टम जगह जगह पे वेरिएशन इतनी दिखती है हमें, एंड देन एजुकेशन जो ब्रॉडर आइडिया, प्रीस्ट कौन बन सकता है, टीचर कौन बन सकते हैं, ये बड़े बड़े जो ब्रॉडर जो आइडियाज हैं ये ग्रेट ट्रेडिशन शुरू करते हैं एंड, लेकिन लिटिल तक पहुंचते पहुंचते वो अपने हिसाब से बदल देते हैं एंड ऑल्ट्रेशन आ जाती हैं, ठीक है। वो मतलब समझ लो ब्रॉडर फ्रेमवर्क वही रहेगा लेकिन हिसाब किताब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देंगे अपनी जगह के हिसाब से। तो अदरवाइज यही चीज अगर आप योगेंद्र सिंह की किताब में पढ़ते हैं तो इट गेट्स सो बैफलिंग, इट गेट्स सो कंफ्यूजिंग, क्योंकि वहां पे बहुत हैवी जार्गन यूज किया गया है सोशियोलॉजी का, जो कि आम जैसे हम जैसे मान लो अगर आप सोशियोलॉजी के बैकग्राउंड से आपने बीए एमए नहीं करी तो समझना मुश्किल हो जाएगा। इनफैक्ट जिन्होंने बीए एमए की है, एमफिल भी की है, उनको भी समझने बहुत दिक्कत होती है। तो दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी वेरी आई वुड से अ हाई लेवल बुक। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है, बहुत ही वो है ना, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोशोलॉजिस्ट इन द कंट्री, बट लेकिन ऐसा है कि हमारे देश की थोड़ी दिक्कत हो रही है कि, और आप देखो कि जो जितने भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, वो अपनी बात आम लोगों तक नहीं समझा पाते, पहुंचा नहीं पाते। तो ये ऐसा आज की बात नहीं है, सदियों से रही है। जब भी कोई इंसान बहुत ही मुश्किल चीज़ को आसान सरल शब्दों में लोगों को समझा देगा, डेफिनेटली वो इंसान महात्मा बुद्ध कहलाएगा, है ना। महात्मा बुद्ध ने यही किया था, इतनी हाई फाई जो चीज़ें थी उनको सिंप्लीफाई कर दिया, लोगों को पहुंचा दिया, लोगों को बात समझ आई तो उन्होंने भगवान ही बना दिया उन्हें। तो ऐसे होगा ही होगा हमेशा। गुरु नानक इतनी हाई फाई जो कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं, तो ये इसीलिए तो ये इतिहास का मुझे लगता है रूल ही है कि हाई फाई चीजों को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको डेफिनेटली पीपल विल स्टार्ट वर्शिपिंग यू, क्योंकि उनको बात समझ आएगी। तो सदगुरु के साथ ऐसे अभी हम विटनेस करते हैं, ही इज वेरी फेमस बिकॉज अभी भी वो काफी जार्गनाइज हैं लेकिन फिर भी काफी सिंपल हैं। तो इसीलिए ना ये चीजें होंगी ही होंगी। तो मुझे लगता है कभी कभी मन करता है वाई सिंह की किताब को सरल शब्दों में लिखा जाए, लेकिन अगेन इट्स अ ह्यूज टास्क। ओके, तो वापस आते हैं पढ़ाई पर। तो ये क्या कर रहे हैं, लोकल वर्जन है एपिक्स के, जो लोकल एग्जांपल्स हैं वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो जैसे रामायण महाभारत वगैरह ये मेजर सोर्स हैं ग्रेट ट्रेडिशन के जो लिखी गई हैं। जैसे लेट्स से अगर आप इमेजिन करो जो वाल्मीकि रामायण, दैट इज कंसिडर्ड मेजर सोर्स ऑफ अ लॉट ऑफ ट्रेडिशन इन इंडिया, है ना। महाभारत जो लिखी गई व्यास वाली, एंड देन अब ये इसलिए ना जो अब लिटिल ट्रेडिशन है इसको लोली कल्चर माना जाता है, ये हाई कल्चर है, ठीक है। ये फोक मतलब जो आम जो लोग हैं जो पेजेंट्स वगैरह फॉलो करते हैं, ये पॉपुलर कल्चर मतलब कि जनरली इट इज वन ऑफ द आई वुड से, जैसे ना दो तरह की चीजें होती है ना, एक आप इमेजिन करो, एक होती है जो फैक्ट, एक होती है वैल्यू, है ना। फैक्ट होता है जो हो रहा है, वैल्यू होता है जो होना चाहिए। मान लो कि अभी एक आपको सिंपल सरल शब्दों में समझाने की ट्राई करता हूँ। मान लो कि आइडियल यूपीएससी एस्पिरेंट को 12 घंटे पढ़ना चाहिए, जिसमें से 3 घंटे अखबार, 2 घंटे ये, 5 घंटे वो, 1 घंटा ये, है ना। ये आइडियल यूपीएससी एस्पिरेंट है, लेकिन जो हो क्या रहा है कि पढ़ाई 5 घंटे हो रही है और उसमें से राइटिंग प्रैक्टिस 5 मिनट हो रही है, एंड वो शायद वो भी नहीं हो रही, एंड अखबार तो उठाया ही नहीं जा रहा। तो देखो जो वैल्यू क्या थी, वो आइडियल एस्पिरेंट 12 घंटे वाला, दैट वाज वैल्यू जो होना चाहिए। फैक्ट क्या है, जो हम जी रहे हैं जिंदगी, 5 घंटे पढ़ाई, 6 घंटे पढ़ाई, एटसेट्रा, गेटिंग इट। तो फैक्ट एंड वैल्यू में जो डिफरेंस होता है, तो ये जो अपना ग्रेट ट्रेडिशन होता है, इट इज वैल्यू, इट इज फैक्ट जो सच्चाई है, अभी ग्राउंड पे चल रही है। क्लासिकल कल्चर है, स्क्रूटनाइज करने में दिक्कत नहीं है अपने आपको, क्योंकि रिफ्लेक्टिव लोग हैं ना, तो स्क्रूटनाइज करने से डरते नहीं है, एंड ये स्क्रूटनाइज नहीं होता, जो कह दिया सो कह दिया। ओके, तो इसीलिए पेरोकलाइजेशन, यूनिवर्सलाइजेशन वापस आते हैं अभी। तो पेरोकलाइजेशन क्या होती है, वापस चले अगर, तो आपको लिटिल एंड ग्रेट समझ आ गया, ब्रॉडर आइडिया, तो पॉइंट्स याद रखना क्योंकि पेपर में पॉइंट्स रिप्रोड्यूस करने हैं। ओके, क्योंकि ये कहानी समझाने से आगे भी बात है, पॉइंट्स भी लेकर आने हमें। तो अब देखो पेरोकलाइजेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन क्या होती है चीज, मैं सिंपल आपको समझाने का ट्राई करता हूँ, डायग्राम्स बनाकर आप अपने नोटबुक्स बना सकते हैं। तो देखो ये है अपने पास लिटिल ट्रेडिशन, है ना, ये है अपने पास ग्रेट ट्रेडिशन। ओके, ये आपस में इंटरैक्ट भी कर रहे हैं, आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। अपनी नोटबुक्स में आप बना सकते हो कि ये जगह जगह बना भी हुआ है, योगेंद्र सिंह की बुक में बना हुआ है, नेट पर सर्च करेंगे वहां मिल जाएगा। तो कैसे इंटरैक्ट करते हैं ट्रेडिशंस, तो ग्रेट ट्रेडिशन जो है लिटिल ट्रेडिशन तक कैसे पहुंच रहा है यहाँ पे, मतलब लेट्स से ब्रॉडर जो भगवान थे, कास्ट सिस्टम जो समझाया गया था क्या होना चाहिए, यहाँ पहुंचते पहुंचते कुछ और हो गया। तो उसको क्या बोलते हैं, जब ग्रेट से जब हम लिटिल की तरफ जाते हैं, दैट इज नोन एज पेरोकलाइजेशन, ठीक है। चीजें पेरोकलाइज हो रही हैं, अपने अपने हिसाब से मोल्ड की जा रही हैं, ठीक है, एंड जनरली ऑर्थोडॉक्सी की तरफ मूव करते हैं हम, ठीक है। ओके, देन लिटिल से जो ऐसी चीजें भी हैं जो लिटिल ट्रेडिशन में एग्जिस्ट करती थी, ग्रेजुअली ग्रेट बन गई, वो फैल गई सब तरफ, है ना, वो ग्रेट बन गई। सभी लिटिल ट्रेडिशन की चीजों के साथ ऐसा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा हुआ, हम एग्जांपल्स देखे देखेंगे कौन सी। तो जो लिटिल से जो ग्रेट जाएंगी, दैट इज नोन एज वॉट, यूनिवर्सलाइजेशन, ठीक है, ये लिखा हुआ यूनिवर्सलाइजेशन। तो जो ये डायग्राम बना के रखना, एंड इसको मैं दोबारा से रब करके एक बार दोबारा बनाता हूँ, ठीक है। तो ये आप इसको यहाँ पे एक बार ढंग से अपनी नोटबुक्स में भी बनाकर रखें। ओके,
ये है हमारे पास लिटिल ट्रेडिशन, ये है हमारे पास ग्रेट ट्रेडिशन, इस पर जाएंगे तो ये होगा पैरोकियलाइजेशन, इससे जाएंगे लिटिल से ग्रेट जाएंगे दैट विल बी नोन एज यूनिवर्सलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये पक्का ही डायग्राम हमारे पास होना चाहिए, इस पर ऐसा भी नहीं आधा पेज वेस्ट कर दें, थोड़ा साइड में हमारे पास दिखना चाहिए कि हमने ऐसा कुछ बनाया। ओके, नाउ लेट्स सी कि पैरोकियलाइजेशन क्या होती है। कि देखो पैरोकियलाइजेशन में एलिमेंट्स को ग्रेट ट्रेडिशन से बॉरो किए, लेकिन ये सर्कुलेट होते होते लिटिल ट्रेडिशन तक पहुंच गया एंड एक नया ट्रेडिशन ये इमर्ज हो गया, कुछ नया निकल के आया। एग्जाम्पल क्या है कि जैसे इस्लाम का ग्रेट ट्रेडिशन में क्या था, इस्लाम इज अ ग्रेट ट्रेडिशन, ग्रेट मतलब जो वाइडर लेवल पे फॉलो हो रहा है एंड ठीक है, एंड ग्रेजुअली उसमें जैसे लिखा हुआ था कि जैसे कि वेल मतलब कि औरतों को अगर पर्दा रखना चाहिए है ना, तो वो ग्रेजुअली करते करते राजपूत तक पहुंच गया, राजपूत ने अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद जैसे अभी जो ब्रॉडर ट्रेडिशन था भगवान कृष्ण की कहानियां, उसमें जैसे एक वो है गोवर्धन है ना, देयर समथिंग नोन एज गोवर्धन, गोवर्धन पर्वत भी है ना, जैसे मथुरा में या वृंदावन में, आई एम नॉट रियली श्योर कहां पर, तो गोवर्धन पर्वत है जहां पर जैसे भगवान कृष्ण ने बचाया था जब एक फ्लड आ गया था वहां पर, तो नंदलेस ही भगवान कृष्ण इज नोन एज प्रोटेक्टर्स ऑफ काउ, ठीक है, प्रोटेक्टर ऑफ काउस, कि वो काउस को बचाते हैं गोवर्धन। तो ग्रेजुअली करते करते ये ग्रेट ट्रेडिशन गांव तक पहुंचते पहुंचते बहुत से ऐसे जो गांव हैं आसपास के वहां पे क्या बन गया है, गोवर्धन। गोवर्धन का मतलब कि काउ डंग, जो काउ जो जो का जो डंग है दैट इज नोन एज गोबर, वो भी धन के समान है तो गोवर्धन बन गया गोवर्धन। देखो कितना ही स्टोरी से कितना दूर निकल गए, तो गोवर्धन बिकेम गोवर्धन, ठीक है, जी टी बिकमिंग एल टी। एंड देन जैसे अब होली, होली इज अ ब्रॉडर एक त्यौहार, ठीक है, जो अक्रॉस द नेशन मनाया जाता है आपके, एंड वो ट्रांसफॉर्म होते होते पंजाब में होला मोहल्ला बन चुका है वो, ठीक है, जहां पर वो अपने मार्शल स्किल्स वगैरह दिखाते हैं, वो होली के आसपास वाले वीक में ही पूरा सेलिब्रेशन चलती है होला मोहल्ला। तो ये टोटल वो एग्जाम्पल्स है जहां पर अपने ट्रेडिशन के हिसाब से वो पूरे एक ब्रॉडर एक जो ट्रेडिशन हुआ करता है जो कि पूरे नेशन वाइड या फिर पूरा कल्चर वाइड सेलिब्रेट होता है, आपने अपने लोकल कल्चर के हिसाब से उसको ऑल्टर कर दिया, दैट इज नोन एज parochialization। Okay, then what is अपनी universalization? Universalization क्या होती है कि elements होते हैं जो little tradition के gradually वो part बन जाते हैं great tradition का। Example है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन जैसे माना जाता है कि यूपी में एक सलूनो फेस्टिवल है, आप इसको सर्च कर सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में भी पढ़ते हैं बच्चे, तो सलूनो फेस्टिवल है यूपी का, वो ग्रेजुअली करते करते पूरे देश भर में मनाने लगे कि जहाँ पे जाते थे वॉरियर्स वगैरह एंड वॉरियर्स को उसके जाने से पहले वहाँ पे राखी बांधते थे, वो करते करते पूरे देश में रक्षाबंधन बन गया कि बहनें भाइयों को राखियाँ बांध रही हैं, भाई कोई लड़ने नहीं जा रहे, भाई को ऐसा कुछ जंग नहीं छिड़ी हुई, तो लेकिन तब भी राखी बनाई जा रही है, ग्रेट ट्रेडिशन बन गया ना वो, एल टी बिकमिंग जी टी। क्या प्रोसेस है, यूनिवर्सलाइजेशन के थ्रू बनता है। एंड देन जैसे छठ पूजा सिर्फ बिहार में मनाई जाती थी, ग्रेजुअली अभी पिछले कुछ सालों से 4-5 सालों से दिल्ली में भी छुट्टी होती है, क्योंकि छठ पूजा इज बिकमिंग अ मेजर फेस्टिवल इवन इन जो ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, दिल्ली तक पहुंच चुके हैं, दिल्ली की गवर्नमेंट छुट्टी अनाउंस करती है अब, एंड दैट इज बिकॉज क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल परफॉर्म छठ पूजा। एंड देन उसके बाद गणेश महोत्सव तो इवन आई एम सरप्राइज, लाइक आई एम नॉट फ्रॉम महाराष्ट्र बट माई फैमिली सेलिब्रेट्स गणेश महोत्सव, तो आई हैव नो आइडिया क्योंकि हो क्या रहा है मीडिया के थ्रू, देन यू कैन कीप फाइंडिंग द रीजंस ऐसा क्यों हो रहा है कि जो एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन था एक जगह का जो उसी पर्टिकुलर जगह पर मनाया जाता है ग्रेजुअली पूरे देश में फैल चुका है। अब जैसे अब इवन इन नॉर्थ इंडिया वहां पर गणेश महोत्सव चल रहा है पूरा, आप देखते हैं पूरा, शायद अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आई स्टेड इन दिल्ली फॉर सम टाइम, तो वहां पर जैसे दिल्ली में देखा है वहां पर तो गली मोहल्ले में, अगर आप ओल्ड अजंता में जैसे हमने देखा एक बार वहां पर भी पूरा एक टेंट लगा हुआ है और उसमें पूरे गणेश जी की वो लगाई हुई है वहां पर उन्होंने मूर्ति, एंड पूरे जोरों शोरों से वहां पर सेलिब्रेशन चल रही है। तो देन यू वंडर बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी कि ये तो महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बों का कुछ ये त्यौहार हुआ करता था आज से 50 साल पहले 100 साल पहले, तो लेकिन अब ये पूरे देश में मनाया जा रहा है, तो ये आप इसके रीजंस ढूंढ सकते हो, यू कैन ऑलवेज फाइंड रीजंस ऐसा क्यों हो रहा है, मीडिया उसको पॉपुलराइज कर रहा है ना, लेट्स से देन यू कैन ऑलवेज से कि जो चापेकर ब्रदर्स ने इसको बहुत यूज किया, हिस्ट्री के बुक्स में पहुंच गया, एंड जो अपने ना जो आइडियोलॉजी फैलाने के लिए कि जो गणेश महोत्सव को यूज़ करते थे वो, तो एंड अकॉर्डिंगली करते 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 जो हिस्ट्री की बुक्स में पहुंच गया, बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया, ग्रेजुअली टीवी में देखते हैं जैसे मूवीज़ में देखते हैं, तो मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पहली बात तो, कि जो लिटिल ट्रेडिशन को बहुत ही फेमिलाइज करते हैं। जैसे एक आपने शायद अगर सुना होगा दैट एंड मे बी यू माइट बी सरप्राइज क्योंकि आई वॉज सरप्राइज व्हेन आई रेड अबाउट इट, तो जैसे आपने संतोषी माता के बारे में सुना होगा है ना, संतोषी माता देर इज नो गॉड लाइक संतोषी माता इन इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, इन
हिंदू हिस्ट्री में संतोषी माता नाम की कोई गॉड नहीं है, गॉडेस नहीं है इनफैक्ट। तो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि एक पर्टिकुलर जो जिसने मूवी बनाई इंसान ने, उनकी वाइफ पर्टिकुलरली वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन हैविंग सच काइंड ऑफ अ थिंग, तो देन दे क्रिएटेड। अब हो क्या रहा है, पैरेलली हिस्ट्री क्रिएट हो रही है, नहीं वहां थी, नहीं यहाँ थी, बिकॉज रिसेंटली, वैसे रिसेंटली अभी कुछ 12-13 महीने पहले की बात है, लास्ट ईयर, तो वी वर डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर थिंग बिकॉज व्हेन आई रेड अबाउट इट, जब किसी एक किताब में सोशियोलॉजी की, संतोषी माता नाम की कोई इंडिया में गॉडेस नहीं एग्जिस्ट करते हिस्टोरिकली, इट वॉज क्रिएटेड इन 70s जब मूवी आई। तो ये हुआ क्या, अब उसके बाद देश भर में व्रत रखे जा रहे हैं, देश भर में फ्राइडेज वर बींग एसोसिएटेड विद संतोषी माता हिंदूज के द्वारा। तो ये स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं, ठीक है। एंड मैंने रिसेंटली मैंने कन्फर्म भी किया 2-3 जगह पे, मंदिर में जाकर पंडित जी से, वो कहते हैं हाँ कि हिस्टोरिकली हमारे पास ऐसे कोई प्रमाण नहीं है, कोई ऐसे, क्योंकि प्रमाण क्या होता है, बुक्स में लिखा होता है या आरती वगैरह बन जाती है उनके नाम पर, तो वो ऐसा नहीं है हिस्टोरिकली। तो ये हुआ क्या कि एक बिल्कुल ही छोटा सा कल्चर के, जैसे लेट्स से जो जिन्होंने मूवी बनाई होगी कुछ किया होगा, उतने ऐसे कन्फाइंड एक किसी कल्चर का कोई पार्ट होगा, बिल्कुल वेरी वेरी नैरो लिटिल ट्रेडिशन बिकेम अ ग्रेट ट्रेडिशन अक्रॉस द कंट्री। एंड तो जैसे लोहड़ी ऑफ पंजाब में मनाई जाती है लोहड़ी, एंड नाउ बिकॉज ऑफ मूवीज एक्सेट्रा पूरे देश भर में लोहड़ी की सेलिब्रेशंस पे अब कुछ ना कुछ तो पार्टीज वगैरह चली रही हैं। तो ये देखो LT एंड बिकमिंग GT थ्रू यूनिवर्सलाइजेशन, आपके पास एग्जांपल्स होने चाहिए, दैट इज व्हाट विल मेक योर आंसर यूनिक, ठीक है, दैट इज व्हाट विल मेक योर आंसर स्टैंड अपार्ट। तो थोड़ा सोचो, रिफ्लेक्ट भी करो, और ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ओके, माइग्रेशन के थ्रू भी हो सकता है ना, जैसे देन उसके बाद कंटेम्प्रेरी में देखें अगर, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो रही है, माइग्रेशन हो रही है, IT है ना, IT के कारण, तो IT के कारण क्या हो रहा है, जो ग्लोबलाइज चीजें हैं दे आर बिकमिंग ग्लोकलाइज, है ना, ग्लोकलाइज मतलब सबसे स्टैंडर्ड एग्जांपल है आपका मैकडॉनल्ड्स इंडिया की कंपनी है क्या दोस्तों, नहीं ना, इंडिया की नहीं है, अमेरिका की कंपनी है, तो हमें वो अमेरिकन फूड नहीं खिला रही, मैक आलू टिक्की खिला रही है, मैक आलू टिक्की अमेरिका में तो नहीं खाते होंगे, आई एम श्योर, तो नहीं खाते, आई एम टेलिंग यू, तो मैक आलू टिक्की इज ग्लोबलाइज एक फर्म बिकमिंग ग्लोकलाइज्ड, लोकल वाला है ना ये, लोकलाइज्ड, तो ये आपके हिसाब से मोल्ड करेंगे ही करेंगे वो अकॉर्डिंगली, That is again one example of parochialization when globalized become glocalized and glocalized, जैसे let's say कि अब किसी एक particular जगह का food था pizza, है ना, पिज्जा था, तो पिज्जा तो इटली के लोग खाते थे, ग्रेजुअली पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैल गया वो, तो चाइनीज फूड, इंडियन डोसा एटसेट्रा, तो ये पूरी दुनिया में फैल गए, तो ये, और ये हुआ क्या, ग्लोकलाइज्ड जो, या फिर हम बोले लोकलाइज्ड बिकेम ग्लोबल, तो उल्टा भी हुआ, एग्जांपल्स होने चाहिए हमारे पास एनीथिंग, सोशियोलॉजी का तो ब्यूटी यही है कि कुछ भी प्रूव करते रहो, एग्जांपल्स लिखते रहो, ठीक है। तो पेपर की डिमांड के हिसाब से, क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से बात समझनी है, 5-10-15 सेकंड आराम से इत्मीनान से सोचना है, अच्छे एग्जांपल्स आएंगे, दे आर फार बेटर देन राइटिंग एनीथिंग, है ना, जैसे मैंने अभी पेपर चेक करके आपको वापस भेज रहा हूं मैं, तो उसमें मैं यही देख रहा हूं कि थोड़ा इत्मीनान से सोच के लिखो, राधा देन ना जो भी पहली चीज दिमाग में लिखना शुरू करती है, नो, डोंट डू दैट, ठीक है, आपने पढ़ाई की है, एग्जांपल्स हैं, सोशियोलॉजिकल चीजों को देखते हो, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एक दिन रखो सिर्फ उसमें, जिसमें पूरे आप चैप्टर्स निकालो सुबह से लेकर शाम तक, सारे के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, मुझे इसकी बात होगी, ये वर्ड तो लिखना ही लिखना है, ये करना ही करना है, ऐसे इमेजिन करना शुरू करो, दैट इज हाउ यू कैन ऑलवेज स्टार्ट इमेजिनिंग एंड राइटिंग सोशियोलॉजिकली, ठीक है, ओके, चलो जो लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन की बात करें आगे, रॉबर्ट रेलफील्ड ने मेक्सिको में इसको बात की थी, एंड जो मिल्टन सिंगर एंड मैके मैरियट है, उन्होंने उनके आगे स्टूडेंट थे, सोशल चेंज को समझने के लिए यूज कर दिया, एंड अकॉर्डिंगली LTGT का हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, और पेपर में हमसे सवाल पूछे जाते हैं, ओके जी, देन आगे श्रीनिवास जी आते हैं हमारे पास, श्रीनिवास जी क्या बोलते हैं, श्रीनिवास जी बोलते हैं कि ऑर्थो एंड हेट्रो दोनों ही चेंजेस हैं, आपकी बात सही है, तो ऑर्थो में वो बोलते हैं संस्कृताइजेशन, है ना, संस्कृताइजेशन मतलब जो लोअर, जैसे जो कास्ट है अपर कास्ट को इमिटेट करने की ट्राई कर रही है हमारे यहाँ पे, डेफिनेटली उसके कारण भी बहुत बदलाव आया, बदलाव को ही हम बोलते हैं मॉडर्निटी, एंड वेस्टर्नाइजेशन के इम्पैक्ट में भी आया। तो देखो अब ये दो शब्द जो श्रीनिवास जी के दो कॉन्सेप्ट हैं, संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन, इन्होंने दोनों ही यूज कर दिए, एंड दोनों ही यूज करके अपना इन्होंने अच्छा आंसर बना दिया, है ना, हर एक थिंकर यही कर रहा है, अपने अपने जो उन्होंने आइडियाज दिए हैं उससे लगा हुआ, देखो मेरे से भी प्रूव हो जाता है, मेरे से प्रूव हो जाता है, तो यही है
तो इसलिए जब श्रीनिवास का अगर आपको आइडिया आता है कि श्रीनिवास कैसे एक्सप्लेन करते हैं मॉडर्नाइजेशन का, आपने कुछ नहीं पढ़ा उनके बारे में लेते, तो जो आपने जो मॉडर्निटी के परस्पेक्टिव से आपने वो चैप्टर नहीं आपने टच किया था, लेकिन आपको ये पता है कि श्रीनिवास तीन चार बातें तो करते ही करते हैं, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन। अब आप सोचने की ट्राई करो कैसे फिट करेंगे, संस्कृताइजेशन भी वैल्यूज बदल रही है, नॉर्म्स बदल रहे हैं, डेफिनेटली मॉडर्नाइजेशन हो रही है, एंड वेस्टर्नाइजेशन कुछ किसी और के इंपैक्ट में आके हो रही है, बाहर के लोगों से हेट्रोजेनेटिक बोल दिया, तो इतना मुश्किल नहीं है, एक बार पढ़ लोगे चांसेस आर वेरी हाई दैट यू विल बी एबल टू रिकॉल। तो इसीलिए जो भी यहाँ पे कंटेंट जो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, एक बार पढ़कर जाना, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो वहाँ पे आएंगे जो कि लगेंगे आपको बहुत पेचीदा, बिल्कुल सरल सवाल होते हैं, सोचो के बैठ के आंसर निकलेंगे, ठीक है। तो जो श्रीनिवास जी और क्या बोलते हैं, मॉडर्निटी सर कहते हैं बहुत ही वैल्यू लोडेड कॉन्सेप्ट है कि इसको हमेशा ही गुड थिंग माना गया, ऐसे नहीं है, आप इस पर पूरा पैराग्राफ लिख सकते हो कि अगर चाहो तो साइंस बर्बाद हो गई है ना, आंसर सॉरी एनवायरनमेंट बर्बाद हो गया, अर्थ पे है ना कितना इंपैक्ट पड़ा, जानवर एक्सटेंट हो गए, और उसके बाद ऐसे कितना इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है, पहले तो जैसे रिलेटिव हुआ करती है, रिलेटिव के साथ साथ एब्सोल्यूट भी आ रही है, तो अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन कीप राइटिंग अबाउट मॉडर्निटी का, सब कुछ सर गुड नहीं है बुरा भी है। तो वो कहते हैं कि ये, और इसीलिए क्या बोलते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन को भी से भी इक्वेट करते हैं इसको हम, एंड वेस्ट के इन्फ्लुएंस में नई टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस ये आइडियोलॉजीज तो आ ही रही हैं एंड इंडिया में, लेकिन म्यूचुअली कोएग्जिस्ट भी करती हैं। ओके, एंड मोबिलिटी वगैरह मिलती है डेफिनेटली, जो मौका तो मिलता ही टेक्नोलॉजी की मदद से, जैसे अभी कितने सारे लोग हैं जो हमारे पास लिपि क्लासेस के, हमने रिसेंटली कैलकुलेट किया 271 लोग हैं जो मेंस दे रहे हैं हमारे साथ जुड़े हुए, विच इज़ अ ग्रेट नंबर। हमने जैसे फर्स्ट ईयर हमारा ऑपरेशन है जहाँ पे हमने बिल्कुल ऐसे बड़े लेवल पे काम शुरू किया, तो पहले साल में 250 प्लस लोग हैं जो मेंस दे रहे हैं, तो इट्स अ ग्रेट नंबर, लाइक वी आर ऑलरेडी प्राउड ऑफ आर सेल्व्स, ठीक है, एंड आप सब से कि आप सब ने हमारे साथ जुड़े, एंड अदरवाइज हु न्यू स्लीपी क्लासेस, ठीक है, एंड अ ग्रेट थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो यहाँ पर देखो अब आगे वो क्या बोलते हैं कि मॉडर्निटी का नेम हमने क्या रखा अपने हिंदुस्तान में, वेस्टर्नाइजेशन, एंड लेकिन संस्कृताइजेशन जो भी है, वेस्टर्नाइजेशन या संस्कृताइजेशन दोनों ही सोशल मोबिलिटी तो प्रोवाइड करती ही हैं, ठीक है, तो बातें आपने सोशोलॉजिकली भी करी। ओके, अब रुडोल्फ एंड रुडोल्फ आते हैं, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ की बहुत ही मजेदार किताब है, वैसे हम आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी समरी डालने की ट्राई की उसकी। तो रुडोल्फ एंड रुडोल्फ क्या बोलते हैं कि इनका मानना ये है कि इंडिया में बदलाव आया, इंडिया में मॉडर्निटी आई बट विदाउट वायलेंस। वो क्या बोलते हैं कि इंडिया बहुत ही यूनिक कंट्री मानते हैं मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से, वो कहते हैं दुनिया में अदरवाइज जहां जहां भी मॉडर्निटी आई वायलेंस बहुत सारी हुई है, इंडिया में कहते हैं मॉडर्नाइजेशन होती चली गई विदाउट वायलेंस। उसका एक रीजन हो सकता है ना कि अंग्रेजों ने हमें वायलेंस करने का मौका ही नहीं दिया, जब भी हम वायलेंट होते थे तो पिटाई कर देते हमारी, तो इसीलिए तो जो भी है रुडोल्फ रुडोल्फ मानते हैं, एंड लाइक ब्रिलियंट कपल रिसेंटली डाइड, तो वो क्या बोलते हैं कि कास्ट को एग्जिस्ट करती थी डेमोक्रेसी के साथ हमारे साथ, कहते हैं देखो कैसे कास्ट इज अ पेरोकियल, या फिर आपका नॉट एग्जैक्टली पेरोकियल, कास्ट इज एन जो अपना पुराना जो वाला जो एक इंस्टीट्यूशन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन एंड डेमोक्रेसी इज अ मॉडर्न इंस्टीट्यूशन, तो हमारे यहाँ को एग्जिस्ट करती है, एंड वो क्या बोलते हैं जिसके कास्ट के साथ नंबर मिल जाते हैं वो इलेक्ट हो जाता है, तो इसलिए ये यूनिक फॉर्म ऑफ हमारे यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन नजर आती है, मॉडर्निटी नजर आती है। एग्जाम्पल अच्छा नोट कर सकते हैं हम, ठीक है, कास्ट को रिलीजन को आप पैरेलली यूज कीजिए। ओके, एंड देन गुनर मिडल आते हैं, बहुत ही हाईली क्रिटिकल इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है टुवर्ड्स एशिया एंड साउथ एशिया के किसे तो चाहते हैं दुश्मनी निकाल रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर है, बट ही इज वेरी क्रिटिकल, नॉट एग्जैक्टली दुश्मन, आई एम सॉरी फॉर दैट, तो लेकिन ही इज वेरी क्रिटिकल ऑफ साउथ एशिया। तो वो क्या बोलते हैं कि सर अगर हम ना वेस्ट की जो देखें, अगर मॉडर्निटी और एशिया की बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो वो क्या बोलते हैं वेस्ट की जो मॉडर्निटी कैसे बोलते हैं वो क्या है, पहले वहाँ पे जो ग्रेजुअली वहाँ पे हुआ क्या कि वहां पर आइडियाज आए पहले, उसके बाद इंस्टीट्यूट्स बने, उनको लगा कि नहीं सर सही से नहीं चल रहा काम, ग्रेजुअली चलो लेटेस्ट फॉर्म कुछ इकट्ठे होकर बात करनी चाहिए, हमें इकट्ठे होकर बात करनी चाहिए, ग्रेजुअली करते करते इंस्टीट्यूट बनते गए, डेमोक्रेसी आ गई, स्टेट आ गया, जो भी हो गया। तो कहते हैं इंडिया में उल्टा हुआ, इंडिया में पहले इंस्टीट्यूट्स बने, फिर से इंस्टीट्यूट्स हमें अब आइडिया दे रहे हैं कि हमें डेमोक्रेटिकली चलना चाहिए, कास्ट के बियॉन्ड देखना चाहिए, रिलीजन के बियॉन्ड देखना चाहिए, एक्सेट्रा। तो वो क्या बोलते हैं कि वहां पर जो वेस्ट में पहले क्या हुआ, नॉर्मेटिव मतलब नॉर्म्स बदले, उससे इंस्ट्रूमेंट बदले, मतलब कि इंस्टीट्यूशन बदले, इंडिया में उल्टा है, इंडिया में इंस्ट्रूमेंटल है, देन अब वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो नॉर्म्स बना रहे हैं, तो इसीलिए तो सिर्फ हमारे यहाँ पे वो बोलते हैं नॉर्म्स बन ही नहीं पा रहे हमारे साउथ एशिया में, इंस्ट्रूमेंटल ही होके रह गई है सिर्फ हमारी मॉडर्निटी। तो
इसीलिए ये काफ़ी क्रिटिकल है एंड अदरवाइज तो नंदलेस ही राइट्स अलॉट अबाउट जवाहरलाल नेहरू एज वेल कि किस तरह से उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स तो बना दिए हमारे देश में बहुत सारे लेकिन नॉर्म्स बनने में टाइम लगेगा एंड टाइम लगेगा अदरवाइज इज नॉट रियली श्योर कि लगेगा भी कि कभी होगा कभी कि नहीं होगा तो ओके नंदलेस आगे बढ़ते हैं तो लुई डुमो आते हैं. लुई डुमो हमारे देश में आके क्या बोलते हैं कि इंडिया क्लासिकल केस है हायरार्की का. ठीक है, यहाँ पर मॉडर्निटी इतनी एक्सेप्टेबल है ही नहीं एब्सोल्यूट फॉर्म में क्योंकि मॉडर्निटी क्या करती है कहीं ना कहीं इक्वल करने की ट्राई करती है लोगों के जो सोशल डिस्टेंसेस को रिमूव करने की ट्राई करती है. कहते हैं इंडिया में तो कास्ट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर ब्राह्मण्स हमेशा सुप्रीमेसी चाहते हैं अपनी सोशल डिस्टेंस हमेशा चाहते हैं मेंटेन करना कास्ट के बीच में. तो वो क्या ही वर्ड लिखते हैं वो कहते हैं इंडिया इज दैट इज वाई इंडिया इज होमो हायरार्किकस है ना हायरार्की ह्यूमंस को हमने हायरार्की में लगाया हुआ है जबकि वेस्ट इज ऑटोमेटिकली होमो इक्वलस वो उसकी तरफ बढ़ते हैं हमेशा इक्वालिटी की तरफ इंडिया हमेशा बढ़ता है इनइक्वालिटी की तरफ या फिर हायरार्की की तरफ. तो इसीलिए लुई डुमो बोलते हैं मॉडर्निटी इंडिया में शायद एक्सेप्टेबल है ही नहीं. ओके देन उसके बाद वही हमने लिखा कि जो होमोक्लेस वाला ऑनरे बेटे आगे इनको क्रिटिसाइज करेंगे कि नहीं सर इंडिया ने अपने अपने इंडिया के तो जो ऑनरे बेटे का अपना इनका जो ऑनरे बेटे आके क्रिटिसाइज करते हैं एक आपको सेंट्रल पॉइंट ही बताता हूँ मैं क्या बोल रहे हैं ये सिंपल सी बात ये बोलते हैं कि डिफरेंट जो जगहों पर डिफरेंट मोटिवेशंस थी लोगों की बदलने की एंड डिफरेंट मोटिवेशंस के चलते लोग बदलते भी गए जैसे जैनिज्म बुद्धिज्म आए कभी कभी वो कहते हैं कभी कभी अकॉर्डिंगली मुगल्स ने आके जो बदलाव किए कल्चर को बदलने की ट्राई की लोग बदलते भी गए उनको जो चीज़ सही लगती थी वो अपनाते गए जो चीज़ सही नहीं लगती वो अपना नहीं अपना रहे. तो कहते हैं इसीलिए आप अगर बोलो कि हमेशा से अगर कि इंडिया इज अवर्स टू मॉडर्नाइजेशन इंडिया इज अवर्स टू चेंज देन यू माइट बी रॉन्ग. ओके देन वो क्या बोलते हैं ऑन द वे थे कि अडाप्टेबिलिटी ऑफ पीपल इज वेरी हाई पीपल इंटरनल एक्सटर्नल मोटिवेशन में फ्लेक्सिबली काम करते हुए खुद को बदलते भी हैं. देन कम्स योर फाइनल जो इंसान जिनके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं वो है योगेंद्र सिंह जी. योगेंद्र सिंह जी किताब लिखते हैं MIT मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन. ओके सॉरी एक सीधी लाइन में लगती मुझसे तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन एंड देन वो बोलते हैं कि जो जितनी भी प्रीवियस थ्योरीज पढ़ी हैं सभी के सभी इनकम्प्लीट हैं कॉन्ट्राडिक्टरी हैं तीन ग्राउंड्स पर. आपने ये ग्राउंड्स याद रखोगे हमेशा IPO. ठीक है IPO मतलब कहते हैं इंटीग्रेशन प्रिसीजन ऑब्जेक्टिविटी और जगह भी यूज़ कर सकते हो ये कीवर्ड अच्छा कीवर्ड है कि वो कहते हैं पुरानी जितनी भी थ्योरीज हैं हमारी वो ना तो इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं है कहीं पे अप्लाई होती है कहीं नहीं होती अनप्रिसाइज नहीं है कोई डेटा नहीं कोई फैक्ट नहीं बस ऐसी आइडियोलॉजी लगती है. ऑब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी का तो कहते हैं मेजर लॉस है कि कुछ ना कुछ चाहते हैं प्रूव करना नेशनलिस्ट कुछ और चाह रहे हैं प्रूव करना मार्क्सिस्ट कुछ और चाह रहे हैं प्रूव करना ऑब्जेक्टिव तो है ही नहीं काफ़ी सब्जेक्टिव नजर आती हैं. तो इसलिए IPO पर वो क्रिटिसाइज करते हैं. देन वो तीन परस्पेक्टिव यूज करते हैं लिटिल ट्रेडिशन का हेट्रो है ना लिटिल मतलब जो थ्योरेटिकल LTGT का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं लिटिल ग्रेट ट्रेडिशन हेट्रोजेनेटिक एंड ऑर्थोजेनेटिक. अब देखो ये वाला जो एक टेबल है इनको वाइसिंग्स पैराडाइम भी बोलते हैं. पैराडाइम मतलब कि ओवरऑल इन्होंने एक पूरा का पूरा एक हमें एक टेबल बना के समझाने की ट्राई करी है कि भारत में बदलाव कैसे हुए इंडियन ट्रेडिशन कैसे कैसे विद टाइम मॉडर्नाइज होता चला गया. ठीक है तो इसके बारे में बात करते हैं. तो यहाँ पर देखो वो क्या बोलते हैं सोर्सेज पहले आप एक बात जानना जरूरी है कि सोर्सेज ऑफ चेंज क्या है. वो कहते हैं या तो विद इन से आएंगे सॉरी बाहर से आएंगे हेट्रो या विद इन से आएंगे ऑर्थो. ये बात ठीक है तो मैं यहाँ पे नीचे लिख दूँ इसको चलो मैं आपकी थोड़ी मदद के लिए हेट्रो इज आउटसाइड ठीक है एंड ये इज फ्रॉम विद इन या इनसाइड ठीक है ओके ताकि थोड़ी सी कहानी क्लियर रहे. अब आगे तो अब देखो वो कहते हैं कि हो क्या रहा है कि जो अब हमारे पास जो कल्चरल स्ट्रक्चर बदल रहा है या सोशल स्ट्रक्चर बदल रहा है तो मतलब कल्चरल स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये बात आपको जाननी जरूरी है. कल्चरल स्ट्रक्चर मतलब जैसे मैंने आपको समझाया था ना फैक्ट वर्सेस वैल्यू वाली बात कि कौन सी चीज़ है कि जो सच्चाई में एग्जिस्ट करती है कौन सी चीज़ है जो ओवरऑल ऐसे वैल्यू बन के दिखती है हमें. ठीक है वैल्यू बन के दिखती है मतलब कि ये होना चाहिए ठीक है अकॉर्डिंगली. तो ये उसमें कल्चर मतलब जो ब्रॉडर सी चीज़ है एंड सोशल स्ट्रक्चर मतलब जो रियलिटी है जो सच में एग्जिस्ट करता है. ठीक है ये और इसको चाहते हैं और ऑर्गेनाइज करके देखना. तो अब आगे उसको भी तोड़ देते हैं ये दो चीज़ों में लिटिल ट्रेडिशन ग्रेट ट्रेडिशन. ठीक है जी ओके सॉरी दोस्तों कंप्यूटर फिर से हैंग हो गया था. ओके तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ कि लास्ट वर्ड में जो भूल के मैंने क्या बोला था. तो यहाँ पे देखो सिंपल चीज़ है कल्चरल स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया कि इट इज़ मोर और लेस अ वैल्यू. ठीक है तो ये एक वैल्यू की तरह नजर आता है सोशल रियलिटी इज़ अ फैक्ट आपके समझने के लिए. ओके देन अब ये क्या चाहते हैं समझाना कि बदलाव कैसे आ रहा है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन कैसे हो रही है. पहले है देखो कि जैसे इंडिया में इस्लाम इंट्रोड्यूस होता है तो इसको मैं थोड़ा रफ कर दूं अगर तो यहां पे जब इंडिया में इस्लाम इंट्रोड्यूस होता है या फिर इंडिया में वेस्टर्नाइजेशन इंट्रोड्यूस होती है आउटसाइड वाली चीजें हैं ये विद इन द कल्चर से नहीं आ रहा आउटसाइड से आ रहा है. तो ये इनको यहां वर्ड भी यूज करते हैं आप भी कर सकते हैं वो वर्ड यूज करते हैं प्राइमरी
एंड आई एम रियली सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग. तो ये वर्ड क्या यूज़ करते हैं, प्राइमरी, कि प्राइमरी इस्लामाइजेशन हो रही है या प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन हो रही है. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि थोड़े से किसी ग्रुप को इम्पैक्ट कर रहे हैं. कल्चर मान लो पूरे देश में तो अभी इस्लाम या वेस्ट का नहीं है, थोड़ा सा किसी ग्रुप को इम्पैक्ट करते हैं. तो वो थोड़ा सा जो ग्रुप है वो ग्रेजुअली जब फैल जाएगा, जब वो सेकेंडरी लेवल पर आ गया या फिर वेस्टर्नाइजेशन सेकेंडरी लेवल पर आ गई, तो उसको बोलते हैं वो इट इज नाउ बिकम ग्रेट ट्रेडिशन. कि थोड़े से उस पर था जो इलाके में, लेकिन वो पूरे, अब वो पूरे काफी इलाके में फैल चुका है, ग्रेट बन चुका है. तो इसीलिए वो बोलते हैं, लेकिन हैं तो दोनों ही हेटरोजेनेटिक, विद इन द कंट्री, विद इन से नहीं आ रहे, आ तो बाहर से रहे हैं. तो गेटिंग इट, तो देखो सबसे पहले बिफोर वी रियली प्रोसीड फर्दर, ये ऑलमोस्ट दिस इज वन पर्टिकुलर क्वेश्चन जो हर साल पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, कंपल्सरी सवालों के बियॉन्ड 15 नंबर 20 नंबर. आप अगर इसमें देखो, मैं समझाने की आपको यहाँ पे पूरी यहाँ पे जो ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन आपने इसका एक एक शब्द एग्जैक्ट वैसे ही याद करना है जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है. एक एक शब्द ये आपको वाइसिंग की किताब में भी मिल जाएगा, वहां पे भी एग्जैक्ट फोटो बनी हुई है. तो लेकिन यहाँ पे मेरा आपको बताना, बीइंग अ टीचर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू रीप्रोड्यूस इट एग्जैक्टली द सेम. 5 बार बना के लिखो उसको, चाहे 10 बार बना के लिखो, यू हैव टू मेमोराइज दिस, ठीक है. 15-20 मार्क्स आपके सामने है इस फोटो में. ओके तो यहाँ पे देखो हेट्रोजेनेटिक, अब पहले सोर्स ऑफ चेंज मैं रिपीट करता हूँ, हेट्रो मतलब बाहर से और तो मतलब विद इन से आते हैं, ठीक है. ओके अब कल्चरल स्ट्रक्चर मतलब कि एब्स्ट्रैक्शन के लेवल पे देखें, पहले थोड़े से लोगों को इम्पैक्ट, ज़्यादा सारे लोगों को इम्पैक्ट. थोड़े से लोगों को इम्पैक्ट मतलब प्राइमरी इस्लामाइजेशन एंड प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन, क्योंकि बाहर से आए हैं. ज़्यादा सारे लोगों पर इम्पैक्ट, तो ग्रेजुअली काफ़ी कुछ बदल दिया, सेकेंडरी इस्लामाइजेशन एंड सेकेंडरी वेस्टर्नाइजेशन. देन विद इन से भी कुछ बदलाव आ रहे हैं जो कि वैल्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं, हमें ऐसा करना चाहिए. मान लो जैसे इस्लाम का आइडिया क्या है कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड होना चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, है ना. ये ब्रॉडर आइडियाज हैं, पहले थोड़े से ग्रुप में थे फिर फैल के बड़े सारे ग्रुप में हो गए. तो अकॉर्डिंगली ये क्या हो रहा है कि वैल्यू लेवल पे, कोई ऐसा मानता है या नहीं मानता वो आगे देखेंगे कि रियलिटी क्या होगी, लेकिन अभी बड़े लेवल पर जो बदलाव आ रहे हैं, आइडियाज के लेवल बदलाव आ रहे हैं, वो यही है, ठीक है. यहां तक वो कहानी क्लियर है, इट्स नॉट दैट टफ, ठीक है. इसमें डेटा काफी लगता है, लेकिन बहुत ही सिस्टमैटिक बना दिया उन्होंने, सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कर दिया, जितना भी कुछ कहीं सामान था यहां डाल दिया उस फोटो में उन्होंने. तो इसीलिए वाइसिंग की शायद आज भी हम क्या करते हैं, सराहना करते हैं, एंड उनको भी कंसिडर एज वन ऑफ द बेस्ट सोशियोलॉजिस्ट. ओके देन ऑर्थोजेनेटिक, जो इनसाइड से हमारे बदलाव आ रहे हैं, हमारे देश के विद इन कल्चर बदलाव आ रहे हैं, वो है संस्कृताइजेशन. संस्कृताइजेशन क्या होते हैं कि विद इन, जैसे आपने कुछ कहीं पे किसी ने सोच लिया कि अच्छा कि हम अपने, लेट्स से यहाँ पे ब्राह्मिन्स बड़े अच्छे हैं, तो ब्राह्मिन्स को काफी हमने इमिटेट कर दिया, कहीं पे किसी ने किसी और को कर दिया. तो विद इन, है ना, ये अपने विद इन से बदलाव आ रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे लेवल पर हैं. ओके एंड देन उसके बाद जो ग्रेट ट्रेडिशन है, जैसे पूरा का पूरा कल्चर बदलने की ट्राई कर रहे हैं, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, भक्ति मूवमेंट, है ना, ये पूरे के पूरे देश भर में कल्चर बदलने की ट्राई कर रहे हैं. देखो है तो कास्ट सिस्टम पे अटैक, ये भी है संस्कृताइजेशन, कास्ट सिस्टम पे अटैक ये भी है, है ना. लेकिन दोनों का इम्पैक्ट की जो देखें, अगर हम जो दायरा देखें, कैसे भी समझने की ट्राई करो, वो दो ग्रेट वाले का ज़्यादा है एंड लिटिल वाले का कम. तो यही एक बेसिक चीज़ है, गेटिंग इट. तो ये बात हमें यहाँ पे समझ आई. देन आगे सोशल रियलिटी में, बाकी सामान को एक बार अप कर दो यहाँ पे. ओके तो अब देखना है हमने कि किस तरह से कि ब्रॉडर लेवल पे हमारे देश में रियलिटी देखें, मैक्रो लेवल पे एंड माइक्रो लेवल पे. अगर फैमिली के लेवल पे देखते हैं तो क्या होता है, जैसे देखो जॉइंट फैमिली बन जाती है, रोल डिफरेंशिएशन होता है ना, कि जॉइंट फैमिली बनती है, अलग अलग इंपैक्ट में न्यूक्लियराइज हो जाती है, फिर जॉइंट बन जाती है. जॉइंट न्यूक्लियर जॉइंट का ये सर्कल चलता रहता है, आपको पता है, मैं थोड़ा समझाने की ट्राई करता हूं कैसे. कि देखो जॉइंट फैमिली होती है एंड अकॉर्डिंगली फिर फैमिली परिवार बड़े हो जाते हैं, तो बच्चे या फिर लेट्स से कहीं और मूव कर गए, माइग्रेशन हो गई, कुछ भी हो गया अकॉर्डिंगली, तो फैमिलीज बिकेम न्यूक्लियर एंड देन न्यूक्लियर फैमिली में ग्रेजुअली फिर आगे जनरेशन चलने शुरू हुई. या फिर अभी अगर हम मॉडर्न उसमें देखें जमाने में, तो लेट्स से घर में जैसे दोनों पेरेंट्स अगर जॉब करते हैं, बच्चों को पालने के लिए कोई चाहिए, तो एल्डर्स जो होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, दे कम एंड ज्वाइन देयर सन्स एंड डॉटर्स. तो इसलिए दोबारा से जॉइंटनेस आ जाती है. तो ये सर्कल चलता रहता है, रोल डिफरेंशिएशन चलती रहती है, पेरेंट्स के, मदर्स के रोल बदलते रहते हैं. माइक्रो लेवल पर ये बदलाव है, फैमिली, कास्ट, सब कास्ट, ये छोटे छोटे लेवल पर ये बदलते रहते हैं. रियलिटीज़ आर वेरी डिफरेंट, ठीक है. एंड देन नई नई तरह की लेजिटिमाइजेशन आती रहती हैं, जैसे विलेज लेवल पे किसी, लेट्स से मान लो कि कोई विलेज में कोई इलेक्ट हो गया, है ना, कोई सरपंच बन गया, कुछ हो गया, तो अकॉर्डिंगली उस, या फिर जैसे किसी विलेज से लेट्स से मिनिस्टर बन गया अपने, लेट्स से स्टेट लेवल पर या किसी और सरकारी चीज में,
या तो चीफ मिनिस्टर बन गए आपके विलेज से लोग, तो विलेज लेवल पे नई तरह के विलेज की जो चढ़ाई हो जाएगी, विलेज बहुत फेमस हो जाएगा, कास्ट ऐसे कुछ ऊपर पावर के कारण, अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि बहुत ही लोकल हैं उनके कारण से जो बदलाव आ सकते हैं, ठीक है। एंड ये जनरली ये कौन से बदलाव हैं जो आउटसाइड फोर्सेस के कारण आ रहे हैं, विद इन द कम्युनिटी के कारण नहीं आ रहे। विद इन द कम्युनिटी का मतलब कि लेट से अगर आपके आपको आप ब्रिटिश रूल की अगर इमेजिन करो बात हो रही है, एंड आपके यहाँ पे विलेज में ब्रिटिश हैज डिसाइडेड कि अच्छा कि हम यहाँ पे ये वाला सिस्टम फॉलो करेंगे, मान लो कि कौन सा महलवारी या फिर जो भी रियोतवारी अकॉर्डिंग, मान लो अगर महल जमींदारी सिस्टम फॉलो किया, जमींदारी सिस्टम में आपको इलेक्ट कर दिया गया जमींदार, तो आपके वहाँ पर रियलिटी है ना, यू बिकेम अ जमींदार, एंड अकॉर्डिंगली आपके वहाँ पे जो नई तरह की लेजिटिमाइजेशन आ गई, ब्रिटिशर्स ने आके आपको लेजिटिमाइज कर दिया, आपके विलेज को उन्होंने लेट्स से जैसे भारत सरकार आज आपके विलेज को मॉडल विलेज घोषित कर दे, है ना, ये आप नहीं कर रहे हो, तो आउटसाइड से रहे तो आपके कल्चर के आउटसाइड से रहे, लेकिन बदलाव बहुत आ जाएगा, तो इसीलिए माइक्रो स्ट्रक्चर बदल जाएगा, है ना। अकॉर्डिंगली आपके यहाँ पे विलेज में फैक्ट्री आके लग गई, तो फैक्ट्री लग गई तो जॉब एम्प्लॉयमेंट आएगी, तो ज्वाइंटनेस न्यूक्लियराइजेशन कुछ भी हो सकता है, तो है ना, तो इसीलिए यू ट्राइंग आर यू अंडरस्टैंडिंग इट कि माइक्रो स्ट्रक्चर बदलता है, रियलिटी बदलती है आउटसाइड फोर्सेस के कारण भी, देन माइक्रो स्ट्रक्चर कैसे बदलता है आउटसाइड कारण, जैसे ब्यूरोक्रेसी या इंडस्ट्री की बात करें अगर, तो जैसे नए नए तरह के हम यहाँ पे बदलाव विटनेस कर रहे हैं, मान लो पहले ब्यूरोक्रेसी होती ही नहीं थी हमारे देश में एज सच, इतनी जो अभी आप देखो ना आईएएस आईपीएस आईआरएस, पहले एज सच ऐसे नहीं हुआ करता था, तो अभी जैसे ऐसा नहीं है ना कि आईएएस का जो आगे हेरिडिटरी चलेगा कि आईएएस का बेटा आईएएस ही बनेगा, है ना, या फिर आईआरएस की बेटी आईआरएस बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी क्या हो गया, काफ़ी नए नए तरह के इंस्टीट्यूशंस आए हैं, जैसे ये जिसको हम क्या बोलते हैं अचीवमेंट बेस्ड बोलते हैं, जो भी मर्जी बोलते हैं, तो ये वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं नई नई तरह के, ये बाहर से ही हमने इंपोर्ट किए हैं, हमारे यहाँ पे आज सच एग्जिस्ट नहीं करते थे बाहर से, लेकिन हाँ बदलाव तो आया, माइक्रोस्ट्रक्चर बदला, अचीवमेंट ओरिएंटेड जो काम हो रहा है ये वाला, है ना, तो अकॉर्डिंगली तो जो नई तरह के जो इंस्टीट्यूशंस का आना उनके कारण जो नए तरह के स्ट्रक्चर्स का बनना, जैसे नए इंडस्ट्रीज आएंगी तो नए तरह के एलीट्स बनेंगे, स्ट्रक्चर बदलेगा समाज का। मान लो पहले फ्यूडल लॉर्ड से बहुत बहुत माने जाते थे, लेकिन अब इंडस्ट्रीज आ गई, नए तरह के इंडस्ट्रियल एलीट्स आ गए, ब्यूरोक्रेटिक एलीट्स आ गए, है ना, तो जमींदार बना दिए, कुछ भी बना दिए, तो नए तरह के स्ट्रक्चर बनने शुरू होंगे समाज में, तो मैक्रो स्ट्रक्चर बदल रहा है, गेटिंग इट, तो माइक्रो पे भी बदलाव है, फैमिली लेवल पर, है ना, सब कास्ट लेवल पर, और नई नई तरह की लेजिटिमाइजेशन, एंड मैक्रो लेवल पे भी बदलाव है, नए तरह के इंस्टीट्यूशंस का बाहर से आना, नए तरह के स्ट्रक्चर्स का बाहर से आना। तो देखो अगेन आई रिपीट, आपको ये पॉइंट दर पॉइंट बिल्कुल जो यहाँ एक एक शब्द लिखा हुआ है आपको याद होना चाहिए, एक्सप्लेन आप नीचे करते रहोगे कि क्या मतलब है सर इसका, ठीक है, कैसे इसे हम एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपने ये वाला सिर्फ बना दिया, आई एम श्योर कि एग्जामिनर नीचे वाले में इतना कुछ खास इंटरेस्टेड ही नहीं है, उनको पता है कि क्या को कहानी पूरी क्लियर है, एक शब्द दर शब्द आपने वहां लिख दिया है, अगर आपने लिख दिया है तो यू विल आल्सो बी एबल टू एक्सप्लेन इट। ओके, देन अभी मैं आपको आगे समझाता हूं, ऑर्थो इज विद इन, है ना, जो विद इन से जो बदलाव आ रहे हैं, जैसे माइग्रेशन हो रही है कि आप माइग्रेट करके कहीं और चले गए, पॉपुलेशन शिफ्ट का मतलब कि लेट्स से कि अगर आपके विद इन मतलब आपके सोसाइटी में मान लो कि लड़के बढ़ जाते हैं, लड़कियां घट जाती हैं अकॉर्डिंगली, या फिर पॉपुलेशन ओल्ड हो जाती है या पॉपुलेशन यंग हो जाती है, डेमोग्राफिक बदलाव जो विद इन से हो रहे हैं, कोई बाहर से नहीं कर रहा, विद इन से हो रहे हैं, उसके कारण बहुत सारे आपके जो सोशल रियलिटी बदलती है, है ना। जैसे अभी इंडिया में अगर आपको एग्जाम्पल लेके बताऊं, जैसे इंडिया में ऑन पर्टिकुलर अगर चाइना को अगर आप विटनेस करना चाहते हो, तो जब बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर अभी ना, जो हमारा एज जो एज अगर देखें डेमोग्राफी देखें अगर हमारी एवरेज एज इज रिड्यूसिंग, बहुत सारे बच्चे हैं, तो अकॉर्डिंगली यहां पर हम विटनेस करते हैं कि बहुत सारे जैसे अब बच्चों के ओरिएंटेड बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, टॉय शॉप्स खुल जाती हैं एटसेट्रा, तो ये बदलाव हो रहे हैं ना, नई तरह के पॉपुलेशन शिफ्ट ब्रिंग्स अ न्यू काइंड ऑफ सोसाइटी, है ना, एंड देन पैटर्न रेकरेंस भी हो रहा है, माइक्रो लेवल पर देखें विद इन से भी हो रहा है, जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली विद इन से भी हो रहा है, फैमिली अगर बहुत बढ़ जाती है तो उसको न्यूक्लियराइज करना पड़ता है, छोटी करनी पड़ती है फैमिली छोटी हो जाती है अकॉर्डिंगली, तो पेरेंट्स को बुला लिया जाता है, तो अकॉर्डिंगली विद इन से भी ये बदलाव हो रहे हैं पैटर्न रेकर करते करते हैं। देन उसके बाद ऑर्थोजेनेटिक मतलब विद इन से एलीट सर्कुलेशन की, एलीट मतलब कि जैसे जो फ्यूडल लॉर्ड थे पहले विद इन, उन्होंने देखा कि सिस्टम बदल रहा है, बाहर से इंडस्ट्रीज आ रही हैं, तो उन्होंने खुद को इंडस्ट्रियलाइज कर दिया, है ना, तो मैक्रो स्ट्रक्चर बदल गया।
पहले सोसाइटी लगती थी फ्यूडल सोसाइटी, अब सोसाइटी हो गई इंडस्ट्रियल सोसाइटी, लेकिन है वही लोग, है ना, विद इन से ही बदल गए वो, क्योंकि इंडस्ट्रीज आई तो लेट्स से बाहर से नए तरह के एलीट्स भी बनेंगे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग एलीट्स है वो भी एग्जिस्ट करते हैं, एंड सक्सेशन ऑफ किंग्स, नए नए तरह के किंग्स आते हैं, उनके साथ जुड़ी हुई जो अकॉर्डिंगली कास्ट है या फिर जो भी है उसमें काफी बदलाव आता है, वो अपना नए तरह के गॉड्स क्रिएट करते हैं, मैक्रो स्ट्रक्चर बदलते हैं, एंड देन राइज एंड फॉल ऑफ सिटीज। तो इसीलिए दैट राइज एंड फॉल ऑफ सिटीज अगेन हमें पता रखता है कि कोई शहर पहले बहुत ही आबाद हुआ करता, अब इतना फेमस नहीं है, तो अकॉर्डिंगली जैसे मसूलीपट्टनम एग्जाम्पल है ना, मुर्शिदाबाद, ये पहले दे यूज टू बी हब, बिल्कुल एकदम राजगीर, तो ये फेमस जो शहर हुआ करते हैं अब इतने फेमस नहीं है, तो राइज एंड फॉल ऑफ सिटीज़ हैं, तो अकॉर्डिंगली मैक्रो स्ट्रक्चर बदल रहा है। तो ये देखो, ये बात ओवरऑल आइडिया क्या है कि छोटे बड़े जितने भी फैक्टर्स हैं, तो योगेंद्र सिंह जी ने यहाँ पर आपको सारे के सारे दिखाने की ट्राई की है कि शहरों का आना जाना, राजाओं का आना जाना, एलीट्स कैसे बदलते हैं, तो ये सब चीज़ें किस तरह से हमारे समाज को बदलती हैं, मॉडर्नाइज करती हैं, एंड अकॉर्डिंगली यही नीचे यहाँ समझाने की ट्राई की है कि किस तरह से अकॉर्डिंगली दो ट्रेडिशंस के आपस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कि जैसे इंडिया में जब इस्लाम का राइज हुआ तो किस तरह से दो ट्रेडिशंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है, एंड अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे बात भी बहुत मजेदार, जैसे लेट्स से कि अगर मैं ये वर्ल्ड मैप बनाने की ट्राई करूँ, लेट्स से यहाँ पर ये मिडिल ईस्ट, ये अपना कहीं पे इंडिया, यहाँ पे लेट्स से इंडोनेशिया, है ना, जैसे भी, तो ये मिडिल ईस्ट से यहाँ पे अरेबिया के इलाके से शुरू होता है इस्लाम, इस्लाम क्रॉस कर रहा है इंडिया को क्रॉस करता है, क्रॉस करते करते क्योंकि इस्लाम सब तरफ फैल रहा है एंड इंडोनेशिया पहुँचता है, तो इंडोनेशिया तक में भी अभी इस्लाम काफ़ी ज़्यादा है ना, आपको पता है इंडोनेशिया इज़ द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री, तो अब अकॉर्डिंगली लेकिन हम इंडोनेशिया का इस्लाम इतना स्ट्रॉन्ग इस्लाम नहीं देखते हैं वहां पर, क्योंकि वहां पे हम क्या देखते हैं, क्योंकि माइल्डर फॉर्म ऑफ इस्लाम क्यों है साउथ ईस्ट एशिया में, क्योंकि वो क्या हुआ, यहां से जब इस्लाम गुजरा इंडिया के थ्रू, तो उसने बुद्धिज्म के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को से इन्फ्लुएंस हो गया, एंड अकॉर्डिंगली अपने जो विचारों में वहां पे जो आइडियाज हैं, जो ट्रेडिशन है, तो वो अकॉर्डिंगली थोड़े दे आर मोल्डेड, दे आर डिफरेंट, है ना, तो ये आप इसको बात को लिख सकते हैं, तो कहीं भी तो जैसे अभी आपको लेट्स से अगर प्रोजेक्ट मौसम के बारे में पूछते हैं वो अपने यूपीएससी मेंस में जीएस में, तो अकॉर्डिंगली यू कैन ऑलवेज राइट कि प्रोजेक्ट मौसम तो हमेशा से हमारा हिस्टोरिकल चीज़ है ही है, कल्चर को इन्फ्लुएंस करना ये वो एट्सेट्रा, कि कल्चर के थ्रू ही हम अपने जो दूर दूर तक हमने सॉफ्ट पावर फैलाई है अपनी अकॉर्डिंगली, ठीक है, एंड देन जो इस्लाम में कास्ट का आना, तो ये सभी क्या हुआ, जब दो ग्रेट ट्रेडिशन जो कि इस्लाम था एंड लेट्स से जो इंडियन यहाँ पे कल्चर था, जब ये आपस के में कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं तो एक दूसरे से बोरो करते हैं, एक दूसरे के ट्रेडिशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं एटसेट्रा, ठीक है, तो अब यही बात है, तो अब वो बोलते हैं कि आउटसाइड सोर्सेज के चलते हमने मॉडर्निटी में इंडिविजुअलिज्म अपनाया, अचीवमेंट, रैशनैलिटी, सेकुलरिज्म, लिबर्टी, एंड अकॉर्डिंगली हमने जो ब्यूरोक्रेसी, जो भी आपने जितना भी आपको पता है जो कहानी हमारे पास है, डेमोक्रेसी ये और जो वोट वगैरह की बात होती है, तो जेंडर इक्वालिटी, हमने जो भी आपको फंडामेंटल राइट्स याद आए वो सब लिख देना, जो भी आपको याद आए कि हमने पॉलिटी में पढ़ा था कि क्या क्या बदलाव आया आफ्टर ब्रिटिशर्स, वो सब यहाँ लिख सकते हैं, ओके, देन क्रिटिसिज्म भी ऑफर करते हैं कि किस तरह से योगेंद्र सिंह के पैराडाइम जी के पैराडाइम का जेपीएस ओबेरॉय ने किया क्रिटिसिज्म, वो कहते हैं कि जेपीएस ओबेरॉय किताब लिखते हैं यूरोपियन मॉडर्निटी, उसमें बोलते हैं कि इंडियन एंड यूरोपियन मॉडर्निटी बिल्कुल सेम प्रिंसिपल पर चलती हैं, कि रिलीजन को रिजेक्ट करती हैं, कहीं ना कहीं रिलीजन को मतलब फोर फ्रंट पर नहीं रखा हुआ, इंडिया ने भी फोर फ्रंट पर नहीं रखा था चाहे रिलीजन का यूज है, एंड कहते सिमिलर यूरोपियन ने, एंड वो कहते हैं इसीलिए ग्रेजुअली देखे कि इन दोनों में फर्क करना बड़ा मुश्किल है, जो आप कह रहे हो ना कि योगेंद्र सिंह को बोलते हैं कि हमने काफी डिफरेंट तरह से विटनेस किया मॉडर्निटी, हमारे जो चेंजेस के सोर्सेज अलग अलग हैं, कल्चरल लेवल, सोशल लेवल पर अलग अलग तरह से स्ट्रक्चर ऑल्टर होता है, वो कह रहे हैं कि नहीं सर आपने इतना एनालिसिस कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं हम सेम ही है इंडियन एंड यूरोपियन, एंड वो कहते हैं जैसे जो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट है उसको दलित मूवमेंट बिल्कुल सेम हमें नजर आती है, कंपेयर करते हैं वो, ओके, एंड उसके बियॉन्ड अगर आप देखो जैसे अब जो ये ना कुछ पोस्ट मॉडर्निस्ट थॉट लिख दिए यहाँ पे मैंने आपके लिए, कि किस तरह से ना कि मॉडर्निज्म को क्रॉस करते हुए भी देश हमारा और आगे पहुंच गया है, जैसे अभिजीत पाठक हैं, तो पहले तो यहाँ बदलाव कर लें, अभिजीत जी नहीं है, इनका नाम है अभिजीत, ये अभिजीत पाठक हैं, ठीक है, तो ये अभिजीत पाठक जेएनयू के प्रोफेसर हैं, तो ये क्या लिखते हैं कि जैसे कि हेबरमास की थ्योरी को फॉलो करते हुए बोलते हैं कि मॉडर्निटी जैसे लोगों को काफ़ी जैसे ना एक पर्टिकुलर तरह से फॉलो करवाने की बात कर रही है, कि जैसे कि दुनिया भर में देखें एक सिमिलर से इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल तरह की बातें नजर आती हैं, इंडस्ट्रियलाइज सब चाहते हैं करना, एंड अकॉर्डिंगली ना पॉलिटी में सब चाहते हैं लिबर्टी, फ्रीडम, है ना, एक ही तरह की थिंकिंग की बात हो रही है, चाहे आप बोलो
चाहे ना, लेट्स से अगर आप, लेट्स से आप इमेजिन करो कि जैसे इवन कंट्रीज लाइक रशिया, जहाँ पे हम बोलते हैं कि काफ़ी थोड़ा सा ना, जैसे वहाँ पे अगर पुतिन अगर राज करते हैं तो वो काफ़ी जैसे डिक्टेटोरियल नज़र आते हैं, जैसे सिमिलरली चाइना में। लेकिन कहीं ना कहीं आपने इस बात को ना, यू कैन नॉट इग्नोर कि वो खुद को क्या बोलते हैं, या फिर चलो दिखावा कर रहे हैं, सच है हमें नहीं पता, लेकिन किस बात का दिखावा कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, तो कि वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हैं, जनता ने इलेक्ट किया है, तो कहते कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी एक्सेट्रा वैल्यू तो बन गई है, है ना। कि ये देखो, अगर आप वो बोले ना कि हम अलग हैं, हम तो भाई राज करेंगे, हम तो ऐसे ओवरऑल, हम तो, हमें तो कोई इलेक्शन नहीं करवाना, तो वो क्या ऐसा नहीं बोलते, वो क्या बोलते हैं कि नहीं हम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हैं। देखो इलेक्शन तो होती है वहाँ पे, चाहे बार बार इलेक्ट होते रहे वो पुतिन, लेकिन इलेक्शन तो ही रहे हैं। तो इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि ये हम इनको बातों को हम कहीं ना कहीं एक्नॉलेज करें। अभिजीत पाठक लिखते हैं कि सिमिलर तरह से हमारा जो, जैसे चाहे कि हमारा जो कल्चर जो डिफरेंट तरह से डिस्टिंक्टिवली हो भी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सिमिलर राह पे भी चले हुए, यूनिफॉर्मिटी दिखती है हमें मॉडर्निटी में आते हुए। एंड गिडेंस तो क्या बोलते हैं कि हाई मॉडर्निटी आ गई है। हाई मॉडर्निटी मतलब आपको मैंने पहले भी बताया था पेपर वन में कि एक एक चीज़ को करने का, डेली लाइफ के छोटे छोटे काम को करने का एक्सट्रीमली स्पेशलाइज तरीका है। तो कि जैसे कि खाना खाने के लिए 5 तरह की कटलरी यूज होती है अभी, है ना, और पहले तो सभी हाथ से पकड़ के खाना खाई जा रहे हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद जाने, कहीं जाना है कहीं नहीं जाना है, इस पार्टी में उस तरह के कपड़े पहनेंगे, किसी को उस तरह की पार्टी में मिलना है तो उस तरह के कपड़े पहनेंगे, 10 तरह के कपड़े, सोने के कपड़े अलग अलग, जागने के कपड़े अलग सुबह अकॉर्डिंगली, ऑफिस के अलग, घर बैठने के कपड़े अलग। तो हाई मॉडर्निटी बोलते हैं इसको गिडेंस की, एक एक चीज़ को करने के एक्सट्रीमली स्पेशलाइज हमारे पास तरीका है। एंड देन एक पर्टिकुलर यहाँ पे छोटा सा एक और भी चीज़ मैं चाहता शेयर करना, ये है अबाउट कि इंडियन कल्चर के 4 एस्पेक्ट, ठीक है। तो इंडियन कल्चर पे, या फिर आपको बोले अगर वो हिंदू कल्चर पे, है ना, जैसे भी आपको सिमिलर सा अगर सवाल नज़र आए तो आप सिंपली इसको 4 एस्पेक्ट पे कर सकते हैं। इसको HCHT कैसे याद करते हैं, जैसे हॉट कॉफ़ी हॉट टी, है ना, HCHT करके आप इसको याद कर सकते हैं। कि एक तो हायरार्की, जो हमारा कल्चर है दैट इज ऑफ हायरार्की, हमने हर एक चीज़ को ग्रेडेड तरह से रखा हुआ है। जैसे लेट्स से कि जो उम्र में बड़े वो ना उनको इज्जत मिलनी चाहिए उम्र के छोटों से, है ना, ओके। कास्ट में वो बेटर कास्ट, ये थोड़ी सी नॉट बेटर कास्ट, जेंडर वो बेटर जेंडर, ये नॉट सो बेटर जेंडर, वो क्या हमारे, अगर हम इसको हम ओवरऑल देखें तो हमारे यहाँ पर हर एक चीज़ हमारे यहाँ पर क्या नज़र आती है कल्चर में, हायरार्कीकल नज़र आती है। देन ट्रांसेंडेंस, ट्रांसेंडेंस मतलब कि किस तरह से हम हर चीज़ को बियॉन्ड दिस वर्ल्ड देखते हैं। कि जैसे कर्मा, कि इस जन्म का कर्म आपके 10 जन्म बाद भी आ सकता है पीछे आपके, है ना, कर्मा रिलीजन एक्सेट्रा सभी ना बियॉन्ड दिस वर्ल्ड भी माना हमने। तो देखो ये ना, अदरवाइज हिंदू कल्चर वगैरह आप इसको लिखने बैठो आप कहोगे मूर्ति पूजा ये वो, लेकिन बहुत ही अकॉर्डिंगली मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे थोड़ा और बड़े लेवल पे देखें, थोड़ा और थ्योरेटिकल लेवल पे देखें। तो ये बहुत ही एक अच्छा फ्रेमवर्क है HCHT वाला, हायरार्की, ट्रांसेंडेंस एंड देन होलिज्म। होलिज्म का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं जैसे कि आप यूनिवर्सल और पर्टिकुलर दोनों को मिलने की ट्राई करते हैं। हमारे यहाँ पे कितनी सारी हम फिलोसफीज़ हैं जो अपने कल्चर में पढ़ी हुई हैं, याद भी की हैं, कि किस तरह से सब कुछ हमने एक किसी एक का पार्ट माना कि देर इज अ ब्रॉडर गॉड, सभी उसी के बंदे एट्सेट्रा, गॉड इज वन ये वो। चाहे जहाँ भी जाओ, जैसे भी जाओ, हमारे देश में जो भी धर्म की बात करो, गॉड इज वन सभी मान रहे हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि गॉड इज वन का मतलब कि हम सभी इंसान उसी के बंदे हैं एट्सेट्रा, उसमें जाके मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे उस पर वेरियस फिलोसफीज हैं, लेकिन हम सब पर्टिकुलरिस्टिक होते हुए भी हम काफी यूनिवर्सलिस्टिक हैं, है ना, ऐसे उस तरह से। तो अकॉर्डिंगली, क्योंकि होल से निकले जो WHOLE वाला, तो वो वाली अकॉर्डिंगली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दिस एस्पेक्ट ऑफ आर कल्चर इन माइंड। एंड देन कॉन्टिन्यूटी, कि कॉन्टिन्यूटी मतलब कि जैसे आप अभी भी आप विटनेस करते हो कि अगर हम देखें कि चेंज हो जैसे भी हो अकॉर्डिंगली, नए नए तरह के हमारे पे इन्फ्लुएंस आते गए इंडियन, अगर इंडिया में देखें राइट फ्रॉम लेट्स से स्टार्टिंग फ्रॉम बुद्धिज्म जैनिज्म से करते करते इवन कि मुगल के बाद इस्लाम के बाद मुगल के बाद ब्रिटिशर्स, हमारे यहाँ पर जो भी एक कल्चर इवॉल्व होता जाता है, ऐसा नहीं है कि ब्रेक नज़र नहीं आती। इसको UPSC ने सवाल बनाकर भी पूछा था GS1 में कि किस तरह से बहुत सारे सिविलाइजेशन है वो गायब हो गई, लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन कंटिन्यूअसली चल रही है, ठीक है। तो इसलिए कंटिन्यूटी तो यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है हमारे एग्जिस्टेंस का, ठीक है। तो इस पर भी हम इसको भी फिलोसॉफिकली भी देखें, या फिर हम इसको अगर थोड़ा एकेडमिकली देखें तो ये भी है कि हाँ स्टेटस क्वेस्ट भी है, एट द सेम टाइम चेंज भी हमारे यहां पर अडॉप्ट होता जाता है। ऑन्द्रे बेटे लिखते हैं इसको कि हमने वेरियस टाइम पे वेरियस इन्फ्लुएंसेस में वेरियस तरह से खुद को मॉडर्नाइज किया, ठीक है, ओके। बाकी यहां पर ना कुछ सोशल रिफॉर्म्स वगैरह पर लेके मैंने आपको यहां पर बात डाल दी
कि क्यों सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स आते हैं, ब्रॉडर से बातें, रिलेटिवली डिप्राइव को फील करता है तो उसे प्रोटेस्ट करता है, तो अदरवाइज प्रोसेस ऑफ चेंज है कि इसीलिए मूवमेंट्स आती हैं, एंड देन कि जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ देखें अगर क्यों आई थी कि एक्सपेंशन के एक्सप्लॉयटेशन इंटर GS1 में भी आप हिस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ब्रॉडर पॉइंट्स हैं, एंड देन लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज के खिलाफ आई, एलियनेशन, डिसकॉन्टेंट, ट्राइबल प्रोटेस्ट के नाम है कुछ, एग्रेरियन प्रोटेस्ट के नाम है कुछ, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं कि काफ़ी लोकलाइज्ड हैं ये, ऐसा नहीं है कि पैन इंडिया लेवल पे कभी प्रोटेस्ट नहीं हुआ, अगेंस्ट मेजरली लोकल जमींदार एंड लैंड होल्डर्स हैं, है ना, ये आप शिखर बंदोपाध्याय में पढ़ते हैं वहाँ लिखा हुआ है, एंड देन कभी ब्रिटिश रूल को चैलेंज नहीं किया गया हम आपको उखाड़ फेंकेंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ जितने भी हमारे प्रोटेस्टेंट ट्राइबल वगैरह, एंड देन उसके बाद जो इन जो प्रोटेस्ट वगैरह ने क्या हुआ कि अभी सिंपली देखो कि मॉडर्न एजुकेशन वगैरह जो बाहर के वर्ल्ड रैशनल थिंकिंग को हमें इंट्रोड्यूस किया तो उसी का हमें कहीं ना कहीं रिएक्शन भी नजर आता है कि ये रिएक्शन है, एंड एक तो देखो रिएक्शन होने के कारण हुआ क्या कि हमारे यहाँ पर हमें दिखते हैं कि बहुत सारे अनरेस्ट या प्रोटेस्ट हुए, एट द सेम टाइम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट भी लेकर आते हैं ये सभी चीज़ें, ठीक है, तो जो जैसे कॉलोनियल एजुकेशन वगैरह से हमारे पास बहुत सारे रिफॉर्मर्स के नाम हैं, है जो जिसने मासेस पे बहुत सारा काम किया, तो इसीलिए जो रिएक्शन एंड रिफॉर्म पैरेलली हैंड इन हैंड चलता रहता है, तो वेरियस कुछ थिंकर्स हैं इन पर क्या बोलते हैं कि फ्रीडम मूवमेंट इनके बिना हो ही नहीं पाती ना, जैसे देसाई बोलते हैं कि अदरवाइज छोटे छोटे रिफॉर्म मूवमेंट वगैरह नहीं होते तो फ्रीडम मूवमेंट ना होती, लोगों तक ये बात विचारधारा पहुंचती ही नहीं कि आज़ादी चाहिए, एंड उसके बाद वो बोलते हैं कि योगेंद्र सिंह बोलते हैं कि ट्रांसफॉर्म की है ऐसे छोटे छोटे मूवमेंट्स ने हमें, TN मदान वो बोलते हैं कि इंडियनाइज कर दिया मॉडर्निटी को, हमारे हिसाब से इंडियनाइज कर दिया कि जैसे ना मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन नहीं हुई, इंडियनाइजेशन ऑफ मॉडर्न ट्रेडिशन हो गई, ठीक है। MS राव अगेन ही वाज द हेड ऑफ JNU फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, एंड देन वो क्या बोलते हैं कि यहाँ पर वो सोशल रिफॉर्म जो हमारे प्रोग्राम है ये प्रोटेस्टेंट मूवमेंट की जैसे नज़र क्यों आते हैं, क्योंकि एक तो कल्चरल प्राइड एंड कॉन्फिडेंस को रिफॉर्म को लेकर आते हैं, जैसे कि अच्छा कि रिटर्न टू वेदास, हमारे वेदास भी अच्छे हैं, ठीक है, तो कल्चरल प्राइड एंड कॉन्फिडेंस को डालती हैं, एंड एट द सेम टाइम ये लोगों को यूनिफाई करते हैं, और अदरवाइज जो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर, अदरवाइज ब्रिटिश बोलते हैं ना हम तो आपको रिफॉर्म करने की ट्राई कर रहे हैं, हम तो ये करने की ट्राई कर रहे हैं, उसको भी उजागर करते हैं, ठीक है, तो इसीलिए सर्वाइवलिस्टिक नीड है मास की प्रोटेस्ट वगैरह करना, अदरवाइज तो कॉन्फिडेंस के बिना जीना एंड एक्सप्लॉयट होते रहना तो इट जस्ट कैन नॉट रियली गो ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है, तो अदरवाइज यहाँ पर आपने जो भी कहानी पढ़ी है GS1 में यूज़ कीजिए, GS1 में आपको जो ये पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं तो ये डेफिनेटली दे मेक योर आंसर मोर हॉलिस्टिक एंड रादर मोर मच्योर, तो ये पॉइंट्स है यहाँ पर, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारे पूरे लेक्चर का जो टेक अवे मैं तो इसी को मानता हूँ, 15 से 20 नंबर का सवाल हर बार पूछा जा रहा है पिछले 4-5 सालों से, तो ये वाली चीज़ को तो आपने बार बार लिखकर रट लेना है, ठीक है, इसका प्रिंट आउट निकालिए साफ सा एंड बार बार इस पर लिखने की ट्राई कीजिए, इसको रिप्रोड्यूस करने की ट्राई कीजिए, दैट इज इट इसमें। और अगेन मैं वो भी चाहता हूँ बताना कि आप इसको चाहे ना नेट पे देख सकते हैं कि वाइसिंग का टाइप कीजिएगा, वाइसिंग पैराडाइम ऑफ मॉडर्नाइजेशन, आपको फोटो मिल जाएगी, किताब से देख सकते हैं, एंड अगेन आई वॉन्ट टू अश्योर यू इसमें कोई टाइपो नहीं है, इसको मैंने पर्सनली खुद चेक किया है, बिल्कुल ढंग से चेक किया है, इसमें कोई टाइपो नहीं है, एग्जैक्टली दिस इज करेक्ट, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है कि आप होता ना कई बार कि नहीं शायद इसमें कोई गलती ना हो, मैं गलत याद ना कर लूँ, ये ना हो जाए, नो, इट इज़ टोटली करेक्ट, एक एक शब्द चेक किया, क्योंकि ये दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस एंटायर चैप्टर, ठीक है दोस्तों। तो चलो मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जो अब बी यूनिट शुरू होगा, बी यूनिट बहुत ही ज़्यादा चलाएंगे तेज़ी से, क्योंकि प्रीवियसली जो हम पढ़ते जाएंगे वो जो आगे 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 और वो काम आपके आता जाएगा, ठीक है, ओके, चलो मेहनत करते रहो, बाकी मिलेंगे बहुत जल्द, थैंक्स अ लॉट, बाय।